नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल है आपके सर जी हम तो बहुत बढ़िया है आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे कस्टम का फाइनल का रिवीजन वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं लगभग साढ़े छह पौने सात घंटे के अंदर मैंने पूरा कस्टम आपका रिवाइज कराया है पूरी शिद्दत के साथ में और सारे के सारे हमारे फ्रेश वीडियोज हैं बारी आती है आपके जीएसटी की जीएसटी का रिवीजन हम करेंगे अपनी कॉम्पैक्ट बुक से ये कॉम्पैक्ट बुक कहने के लिए कॉम्पैक्ट है लेकिन अपने आप में हंड्रेड परसेंट सिलेबस को ये कवर करके चलती है इसमें कहीं को छूटा हुआ नहीं है कॉम्पैक्ट का मतलब इट्स नॉट ए लाइक समरी बुक नॉट ए समरी बुक इट्स कंप्लीट इन इट्सल्फ इसमें आपके डायग्राम्स uh, भी हैं साथ में आपके जो लीगल टेक्स्ट थ्योरी है वो भी आपकी यहां पर दे रखी है ठीक है और uh, यह बुक आपकी अवेलेबल है सी राजकुमार डॉट कॉम पर खरीदने के लिए और यहां मैं आपको बताऊं कि शुरू के हमारे कुछ एक चैप्टर्स हैं जैसे कि पहला चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई इन चैप्टर्स के अंदर प्रति भर भी चेंज नहीं है तो इसके लिए आपके दो वीडियोस मैं वही वाले इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि हमने अपने पिछले रिवीजन लेक्चर्स में इस्तेमाल किए थे यानी कि जो मई 2021 के लिए थे ठीक है तो आप इनको एंजॉय कीजिए और मिलता हूं आपको दो क्लास के बाद में ठीक है एंजॉय करो <kissle> यहां पर आता हूं जिस्ट ऑफ जीएसटी करके है और एक पूरा फ्रेमवर्क यहां पर बताया गया है एक पूरा एक सिस्टम बताया गया है कि जीएसटी किस प्रकार से ये फ्लो में आता है कहां से शुरू होता है और कहां पर जाकर ये खत्म होता है तो जैसा कि हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो इसके लिए गुड्स या सर्विस का होना अति आवश्यक है तो सबसे पहले पायदान पर यही चेक किया जाएगा कि जो भी हमारे क्लाइंट के यहां पर डील हो रही है जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो गुड्स की ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर वो एक सर्विस की ट्रांजेक्शन हो रही है कोई भी चीज गुड्स है या सर्विस है या कुछ भी नहीं है ये एक प्रकार का चक्रव्यूह है जहां पर आपके अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं और इस चक्रव्यू में से जो जहां से आउट हो जाएगा मतलब आउट हो जाएगा वापस गेम में लौट कर नहीं आ सकता वो गेम नहीं खेलते कि म्यूजिकल चेयर वाला खेलता है ना वो गाना बजता है लोग गोल गोल घूमते हैं गाना बंद होता है सब बैठ जाते हैं उनमें से एक व्यक्ति को आउट कर दिया जाता है जो बैठ नहीं पाता वैसे करके इस गेम में से जो आउट मतलब आउट बैक टू पवेलियन वापस वो गेम में कर नहीं आएगा गुड्स या सर्विस अगर कोई चीज बनती है तो मैं उससे अगला राउंड खेलूंगा अगर गुड्स या सर्विस नहीं बनती है तो मैं उसे यहीं से बाहर निकाल दूंगा बैक टू पवेलियन जीएसटी में उसका जिक्र नहीं किया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे उसके बाद में अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस बनेगी तो फिर उसको चेक किया जाता है क्या वो सप्लाई है या नहीं है अगर वो सप्लाई है तो आगे बात करेंगे सप्लाई नहीं है तो फिर यहीं से आउट करवा दिया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सप्लाई नहीं माना जाता है जब सप्लाई बन जाती है तो खेल खेला जाता है कि सप्लाई का नेचर बताइए वो इंट्रा स्टेट है या फिर वो एक इंटर स्टेट है इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी की बातें करी जाएंगी इंटर स्टेट है तो उसमें आईजीएसटी की बातें करी जाती हैं आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है सीजीएसटी फंड में बाकी आधा डेस्टिनेशन एस जीएसटी फंड के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाता है राइट सर अगर यहां पर आकर मान लीजिए जो इंट, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है अगर वो एक्सपोर्ट हो जाती है तो वैसे वाले हालात के अंदर आपका जो आईजीएसटी है ना मालिक आ, वो यहां पर आ, आएगा लेकिन आईजीएसटी फाइनली लगेगा नहीं क्योंकि डेस्टिनेशन इसका अब्रॉड में है तो ये तीसरा गेट है कि हम कह सकते हैं कि जीएसटी से मुक्ति पाने का तीसरा दरवाजा यहां पर ये यह मौजूद है उसके बाद में गुड्स या सर्विस की सप्लाई इंट्रा या इंटर होने मात्र से जीएसटी नहीं लग जाएगा इसके लिए एक टैक्सेबल पर्सन भी होना चाहिए ये गुड्स या सर्विस की सप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए अगर उसके हाथों से हो रही है तो जीएसटी लेवी होगा अगर ये नॉन टैक्सेबल पर्सन के हाथों से हो रही है तो जीएसटी लेवी नहीं होगा देखना यह है कि कौन टैक्सेबल पर्सन है और कौन टैक्सेबल पर्सन नहीं है देखेंगे पर कर, जो होता है, वो नहीं होता है। तो जीएसटी रे कदापि नहीं हो सकता है राइट सर यस सर आगे बढ़िएगा अगर वो टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होती है उसके बावजूद भी एक आखिरी बॉक्स यहां पर बचता है जिसकी वजह से आप जीएसटी से मुक्त हो सकते हैं पांचवें बॉक्स पर आकर एग्जाम आएंगी एग्जामेशन में लगभग लगभग सौ एग्जाम्शन आपकी सर्विस सेक्टर में है और लगभग डेढ़ सौ एग्जाम्शन आपकी गुड्स में है गुड्स वाली एग्जाम्शन सिलेबस का हिस्सा आपका नहीं है सर्विस वाली एग्जाम्शन सिलेबस का हिस्सा है सौ एग्जाम्पन्स को मैंने चौदह हेड में डिवाइड कर रखा है दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार किसान मनोरंजन जीपीआरएस जीपीआरएस का मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन आर फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जीपीआरएस एस फॉर सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बीआईबी बैंकिंग इंश्योरेंस और बिजनेस रिलेटेड ऐसे करके हमारी यहां पर बात करी जाती है सौ तरह की सर्विसेज आपके एग्जिमटेड हैं पांच गेट दे रखे हैं जीएसटी से बच निकलने के लिए सिर्फ पांच दरवाजे हैं या तो क्लाइंट क्या ऐसा खेल खेल दो कि उसके जो ट्रांजैक्शन है वो गुड्स या सर्विस की कैटेगरी में ही फॉल ना करे या फिर वो सप्लाई ना बने या फिर वो एक्सपोर्ट दिखे या फिर बंदा टैक्सेबल पर्सन ना दिखे या फिर उसके द्वारा दी जाने वाली सप्लाई एग्जाम कैटेगरी में आ जाए इन पांच में से कोई एक काम कर दिखाया तो करोड़ों लाखों के रुपए की, की फीस आपको आपका क्लाइंट यहां पर दे देगा लेकिन अगर आप इन पांचों गेट से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अब यह तय है कि जीएसटी लग के रहेगा दुनिया की कोई ताकत अब आपको जीएसटी से मुक्ति नहीं दिला सकती है जब जीएसटी लगना ही है तय हो गया है तो बताइए जीएसटी कितना लगाया जाएगा यहां पर आकर जीएसटी कंपटीशन करा जाएगा जिसके लिए हमारे पास दो स्कीम होती हैं। एक होती है रेगुलर स्कीम एक होती है हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम तो क्या क्या होंगे कैसे कैसे बात करेंगे उनकी चर्चा यहां पर करी जाएगी यहां से तय हो जाएगा कितना अमाउंट जीएसटी का हमें देना होता है उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ठीक है ये तय हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी लेकिन उस घंटी को साहब बांधेगा कौन वो सप्लायर बांधेगा या रसी बांधेगा सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा या जीएसटी का पेमेंट सरकार को करके आएगा इसके लिए चैप्टर आएगा आरसीएम का गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में रिवर्स चार्ज की बातें करी जाती हैं लगभग 20-25 सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगाया जाता है सात आठ गुड्स ऐसे हैं जहां पर आरसीएम लगाया जाता है गुड्स सेक्टर में गुड सेक्टर का आरसीएम सिलेबस का हिस्सा नहीं है सिर्फ सर्विस सेक्टर का है उस सर्विस सेक्टर को ही आरसीएम को ही हम यहां पर देखकर चलेंगे उसके बाद में जब यह तय हो जाएगा कि भाई साहब जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा एनसीएम लगेगा या आरसीएम लगेगा यह तय हो जाने के बाद में अगला नंबर आएगा कि जीएसटी कब भरा जाएगा एट वट पॉइंट ऑफ टाइम उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है उसका सप्लाई का टाइम क्या है सप्लाई का डे क्या है यूं तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जब एक घटना घटित होती है एग्रीमेंट बनता है इनवॉइस करता है पेमेंट होती है डिस्पैच होता है रिसीव होता है बहुत सारे एलिमेंट उसके मौजूद होते हैं ये तमाम एलिमेंट अलग अलग डेट पर मौजूद हो सकते हैं तो इनमें से कौन सी वाली घटना को हम सप्लाई के नाम से बुलाकर चलें सप्लाई डे कौन से दिन को मानकर चलें जोन सा डे सप्लाई डे बनेगा फादर्स डे मदर्स डे वैलेंटाइंस डे चल रहा है आजकल तो ऐसे होता है एक सप्लाई डे तो जोन सी डे पर हमारा सप्लाई डे बनता है उसी को आधार बनाकर अगले महीने की बीस तारीखों में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है वैसे करके यहां पर बात करी जाती है और टाइम ऑफ सप्लाई निकलने के बाद में फिर हमारे कंप्लाइंस पार्ट यहां पर आते हैं आई एम फोर आर एंड आई टी सी आई का मतलब इनवॉइस है एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट है उसके बाद रिटर्न रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रिफंड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हमारे कम्प्लाइंस वाले चैप्टर यहां पर आ जाते हैं जिनको हम क्रम से करके चलेंगे हमारा जो पूरा फोकस पूरा पैटर्न होगा वो ये होगा कि क्लाइंट वाइज अब सीए बनने के बाद आपको क्लाइंट वाइज ही काम करके चलना है एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आपके सामने आते तो आपको लिंकेज करनी आनी चाहिए हमारी लिंकेज का जो पैटर्न रहेगा वो यही पैटर्न रहेगा शुरू से लेकर आखिर तक कि भाई जब भी कोई ट्रांजेक्शन कोई छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं थियोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल लाइफ को देख रहे हैं ये चेक करो गुड से सर्विस है या नहीं यस yes, तो आगे बढ़ो सप्लाई है या नहीं आगे चेक करो इंट्रा है या इंटर है उसके बाद टैक्सेबल पर्सन है एग्जामिशन में तो नहीं है कंप्यूटेशन कैसे आरसीएम टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लाइंस बात खत्म इस प्रकार से आप चीज को स्कैन कर सकते हैं उसको लिंक कर सकते हैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर चल के लिंक करना होता है तो ये हमारा पैटर्न होगा बाबा की बूटी का और इसमें हमारे जो गेट नंबर मैं बोलूंगा आगे चलकर ये है गुड्स सर्विस गेट नंबर वन सप्लाई है गेट नंबर दो इंट्रा इंटर है गेट नंबर तीन टेक्सुअल पर्सन है गेट नंबर चार और उसके बाद है आपका एग्जामिशन गेट नंबर पांच आगे फिर मैंने गेट नाम नहीं दिया है आगे नाम दिए हैं बॉक्सेस क्योंकि गेट का मतलब बाहर जाने का रास्ता और पहले पांच बॉक्सेस से ही हम बाहर जा सकते हैं छठवें बॉक्स से बाहर नहीं जा सकते इसलिए यहां पर दिए हैं इसको पहले पांच गेट से ही बाहर जाया जा सकता है इसलिए पहले पांच बॉक्सेस को ही गेट का नाम दिया गया है राइट सर यस सर चले yeah. या आ जाइए मेरी कॉम्पैक्ट बुक यहां पर आगे मालिक और इसमें आकर हम बात कर रहे हैं हमारे तमाम प्रकार के चैप्टर्स यहां पर दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन का चैप्टर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का आएगा डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज और उसके बाद में यहां से बेसिकली बाबा की बूटी ये जो अभी डायग्राम मैंने दिखाया इसे बाबा की बूटी के नाम से भी बुलाते हैं तो यहां से ये बाबा की बूटी का पैटर्न आपका शुरू हो जाता है यहां से ये जो इंग्लिश नंबर वाले आते हैं वन टू थ्री गुड सर्विसेज सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल पर्सन एग्जमशन कॉम्प्यूटेशन रिवर्स चार्ज इन वॉइस टाइम ऑफ सप्लाई आईटीसी रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिटर्न अकाउंट वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके यहां पर आ जाते हैं उससे पहले हम बात करेंगे यहां पर एक चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन का जीएसटी का इंट्रोडक्शन देगा संवैधानिक बातें करी जाएंगी एंटायर जीएसटी के अंदर जितनी भी डेफिनेशन हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखेंगे जो जीएसटी के अधिकारी है उनकी चर्चा की जाएगी उसके बाद थोड़ा आईडीएसटी की बातें करने के बाद फिर अपना हम बाबा की बूटी के पैटर्न पर यहां आ जाएंगे ठीक है तो पहला चैप्टर है आपका ये इंट्रोडक्शन का आइए मालिक बात करते हैं इस चैप्टर की आगे भी रिफंड असेसमेंट एडवांस रूलिंग ऑडिट इंस्पेक्शन डिमांड रिकवरी पेनल्टीज अपील सारे चैप्टर्स इसके अंदर आपके मौजूद हैं तो यहां पर आकर आइए मालिक तो ये है आपका यहां से इंट्रोडक्शन का चैप्टर ये बुक मैं फास्ट ट्रैक बैच के अंदर अपने इस्तेमाल करके चलता हूं तो शुरुआत में मैंने यही बताया था आपको शुरुआत यहीं से की थी कि टैक्स क्या होता है कंपलसरी एक्सटॉशन ऑफ मनी जो होता है उसे हम टैक्स के नाम से जानते हैं और टैक्स दो तरह का होता है एक डायरेक्ट टैक्स हो गया एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जिस व्यक्ति के ऊपर इंपोज किया गया है अगर टैक्स का लोड क्या इधर इधर टैक्स का लोड भी उसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है यहां से बोला गया कि सबसे पहले बताइए कि भाई साहब ये जीएसटी आखिरकार क्यों निकल के आया था तो जीएसटी आने की चार प्रमुख वजह हुआ करती थी क्योंकि पहले क्या था कि मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी मल्टीपल लॉ बने हुए थे हर चीज मल्टीपल ही थी कास्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था डबल टैक्सेशन हुआ करता था तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुआ करती थी कलेश मचा हुआ था ऐसी की तैसि पड़ी थी तो बहुत सारे रीजन थे पुराने सिस्टम के अंदर ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से जीएसटी को आना पड़ा और जीएसटी में आकर इन तमाम कमियों को ठीक कर दिया गया जैसे कि पुराने समय के अंदर हम बात करें बिजनेस जैसे नॉर्मली तीन लेवल पर होता है इंट्रा इंटर और इंटरनेशनल लेवल का तो एक मैन्युफैक्चरर अच्छा पहले जो ये बिजनेसमैन थे इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और आपका सर्विस प्रोवाइडर तो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग करके अपना गुड्स आगे सप्लाई कर रहा है तो पहले उसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरनी होती थी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जुड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर वैट या सीएसटी का पेमेंट उस बंदे को करना होता था इंट्रा है तो वैट और नहीं तो फिर सीएसटी का पेमेंट उसे करना होता था इसकी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था एक्साइज ड्यूटी कॉम्पोनेंट के ऊपर वैट या सीएसटी का लोड आ रहा था ऐसे ही एक ट्रेडर आदमी जो था ट्रेडर आदमी स्टेट वेट के अंदर रजिस्टर्ड था जब वो एक मैन्युफैक्चरर से माल लेकर आता था तो उसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था क्यों नहीं मिलता था क्योंकि सेंट्रल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवल का था और ये बंदा अपना स्टेट लेवल पर काम किया करता था तो जब किसी भी टैक्स का पे किए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हमारी कॉस्ट का पार्ट निश्चित तौर पर बन जाएगा इसकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा था जिससे की चीजें और महंगी होती जा रही थी सिमिलरली जो सर्विस प्रोवाइडर था वो सेंट्रल लेवल पे रजिस्ट्रेशन था सर्विस टैक्स के अंदर और अगर सर्विस टैक्स वाला व्यक्ति सर्विसेज देने वाला व्यक्ति अगर कंप्यूटर खरीद के ला रहा है उस पर वैट जमा करके आया करता था उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलता था क्योंकि वैट स्टेट लेवल का हो गया और सर्विस टैक्स वाला बंदा सेंट्रल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो इस प्रकार से क्रेडिट ना मिलने की वजह से यहां पर डबल टैक्सेशन और कास्ट कटिंग जैसी समस्याएं पैदा हो रही थी पुराने समय के अंदर ऐसा भी था कि यही तय नहीं हो पाता था कि कोई चीज गुड्स है या सर्विस है जिसे सॉफ्टवेयर हो गया तो जो सॉफ्टवेयर है जो आपका कैंड सॉफ्टवेयर है जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है उनके संबंध में नहीं पता था कि वो गुड्स है कि सर्विस है तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा था गुड्स भी मानकर टैक्स लगाते थे और सर्विस मानकर भी टैक्स लगाते थे रेस्टोरेंट के संबंध में गुड्स मानकर भी टैक्स लग रहा है सर्विस मानकर टैक्स भी लग रहा है और एक कॉमन पोर्शन ऐसा आ रहा था जिसके ऊपर गुड्स के भी टैक्स लग रहे हैं सर्विस के भी टैक्स लग रहे हैं और डबल टैक्सेशन वहां पर आपका आ रहा था इसी चक्कर में क्या किया गया कि आपका जीएसटी यहां पर मालिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सीएसटी चूंकि ओरिजिन था अगर यूपी यूपी से माल हरियाणा जा रहा है तो वैसे वाले हालात के अंदर जो सीएसटी उसका पेमेंट यूपी सरकार को जाता था क्योंकि हरियाणा सरकार को प्रैक्टिकली जा नहीं सकता यूपी वाले बंदे का रजिस्ट्रेशन यूपी में होगा जो यूपी में कारोबार कर रहा है हरियाणा में जाकर टैक्स जमा नहीं कर सकता इसलिए मजबूरी के हाथों उसका जो वो पैसा था वो यूपी गवर्नमेंट को ही दिलवाया जाता था ओरिजिन बेस्ड होता था इसी कारण से जो हरियाणा का बायर है उसे सीएसटी का क्रेडिट कभी भी नहीं मिलता था और जब जब क्रेडिट नहीं मिलते हैं तब तब दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है मालिक वैसे करके यहां पर बात करी जाती है सीएसटी जो है आपका वो एक सेंट्रल लेवल का लॉ है लेकिन इसका जो कलेक्शन है रेवेन्यू का वो स्टेट के द्वारा ही किया जाता है तो फिर लॉ सेंट्रल लेवल का क्यों बनाया गया देखिए ये अलग अलग स्टेट के बीच में कारोबार करने के लिए बनाया जाता है सभी स्टेट के अंदर एक जैसा लॉ होना जरूरी है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके और एक यूनिफॉर्म लॉ बना सकती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के ऊपर बैठी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम स्टेट्स को राइट दें कि आप अपना अपना लॉ बनाइए तो उनमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो सकती सो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द दमंग ऑल द स्टेट्स तो एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए सीएसटी आपका सेंट्रल लेवल का लॉ था लेकिन उसका जो रेवेन्यू था उसका कलेक्शन और रिटेंशन स्टेट के द्वारा ही किया जाता था क्योंकि संविधान ऐसा बोलता था कि सेल ऑफ गुड्स के संबंध में जो जीएसटी पानी का अधिकार होगा वो यहां पर स्टेट्स को दिया जाएगा वैसे करके इसी प्रकार से आपका जो ये कस्टम लॉ है कस्टम लॉ किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का लॉ है जैसा लॉ मेरा है वैसा ही बाहरी मुल्कों के अंदर भी है जीएसटी आने पर कस्टम लॉ आपका एज इट इज जिंदा है और यहां पर भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कराई जाती है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है हर कंट्री के अंदर एक जैसा लॉ होगा तभी सेलर और बायर की अंडरस्टैंडिंग मैच हो पाएगी इसी के लिए यहां पर बीच में आ जाता है डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ मैनेज करके चलता है और एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और एक आपका डब्ल्यू टी ओ है ये मैनेज करते हैं आपके कस्टम लॉ को और हर कंट्री का

चल क्या रहा है कुछ पता नहीं है कौन सी वजह आ रही है कुछ पता नहीं सब मिक्सचर यहां पर चल रहा था तो उन्होंने आके क्या किया कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया पुराने तमाम प्रकार के सब लगभग सत्रह तरह के टैक्सेस को सब्स्यूम्ड किया गया और आपका जीएसटी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक जुलाई दो को नंद के आनंद भयो जय कन्हया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की जब जीएसटी आया तो उसने यहां पर क्या क्या बदलाव कर दिए वो मैं आपको यहां पर बतलाना चाहता हूं जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर लोग हुआ करते थे इनको मालिक नाम दिया गया सप्लायर का जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर और जो रेसिपियंट आदमी है मतलब जो बायर है उसको यहां पर रेसिपियंट का नाम दे दिया गया दो ही व्यक्ति अब काम में आएंगे चाहे आप मैन्यूफेक्चर हैं ट्रेडर हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं सप्लायर और रेसिपियंट दो ही नाम देखने के लिए आएंगे यहां पर दूसरी बात यह कि मल्टीपल टैक्सेस जो थे आपके अब एक टैक्स बन गया मल्टीपल लॉ आपका एक लॉ बन गया है और जो मल्टीपल जितनी भी चीजें थी सारी की सारी कंसोलिडेट होकर आपके जीएसटी के अंदर समाहित हो गई है खासकर डबल टैक्सेशन मान चलिए 99.99 खत्म हो गए हैं हालांकि भी भी पूरे पूरे नहीं मार पाता, भी पूरे नहीं मार पाता है। तो ऐसे ही किया जा चुका है।, वैसे करके बात करते है उसके बाद यहां पर चर्चा निकल के आती है मालिक आ, हुँ, हुँ, हुँ। तो पर्सन जो थे वो इस प्रकार से हो गए लेवल जो थे अपने पहले तीन लेवल हुआ करते थे इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट और इंटरनेशनल आज के डेट में जीएसटी के अंदर सिर्फ दो ही लेवल काम करके चलेंगे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट इंटर स्टेट ऑल्सो इंक्लूड इंटरनेशनल अगर कोई ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल है जीएसटी के अंदर उसको भी हम इंटर स्टेट के नाम से ही बुला के चलेंगे क्योंकि इंटर स्टेट एक्चुअल में है या इंटरनेशनल है दोनों के प्रोविजन लगभग समान है इसलिए यहां पर इंटरनेशनल विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट तो ये था हमारा कि जीएसटी आखिरकार क्यों लाया गया अगले पॉइंट पर आता है कि जीएसटी आखिरकार है क्या चीज वट इज जीएसटी तो यहां पर आकर बताया जाता है कि साहब देखिए जीएसटी गुड्स या सर्विस के ऊपर लगने ओ भाई साहब इधर जीएसटी गुड्स या सर्विस के ऊपर लगने वाला एक टैक्स होता है बिल्कुल ठीक बात है इसके लिए गुड्स या सर्विस का होना जरूरी है साथ में सप्लाई का होना भी इसके लिए जरूरी होता है वेरी गुड सप्लाई का नेचर इंट्रा या इंटर किसी भी तरह का हो सकता है उसी के आधार पर हम लोग आगे की बात करके चल सकते हैं अब यह कैसे डिसाइड किया जाए कि इंट्रा है कि इंटर है अगर सप्लाई के ओरिजिन और सप्लाई के डेस्टिनेशन इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉर्डर आ जाता है बॉर्डर चाहे दो स्टेट के बीच का हो दो कंट्री के बीच का हो दो यूनियन टेरिटरी के बीच का हो एक स्टेट और एक यूटी के बीच का हो बॉर्डर होना चाहिए किसी भी तरह का बॉर्डर आता है ट्रांजेक्शन को इंटरस्टेट कहा जाएगा नहीं तो उसे इंटरस्टेट में तब्दील कर दिया जाएगा बॉर्डर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी हो सकता है एक वर्चुअल बॉर्डर भी हो सकता है ये डीटीए एरिया है ये एसीजेड है डीटीए टू एसी सप्लाई की जा रही है भले ही वो सेम स्टेट के अंदर क्यों ना हो उसके बावजूद भी उसे हम अलग अलग मान के चलते हैं उनके बीच में एक वर्चुअल बॉर्डर माना जाता है और ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट कहा जाएगा एसीजेड से अगर डीटीए के अंदर माल आ रहा है तब भी उसको इंटरस्टेट ही माना जाता है वैसे करके बात करी जाती है तो बॉर्डर होना चाहिए बॉर्डर चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो अगर बॉर्डर एग्जिस्ट करता है तो इंटरस्टेड नहीं तो इंटरस्टेड उसको माना जाता है जब इंटरस्टेट की बात करेंगे तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जी एस टी या यूटीजीएसटी अपना लगाया जाता है और जब हम लोग बात करते हैं अपने इंटरस्टेट <coughs> की तो वहां पर आईजीएसटी अपना लगाया जाएगा आईजीएसटी वास्तव में कोई टैक्स नहीं है यह तो एक लिफाफे का नाम है इसके अंदर जो मसाला भरा होता है वो क्या होता है सीजीएसटी प्लस एस जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी एस द केस में भी और ये पूरा का पूरा लिफाफा यानी कि आई जी एस टी इज समोटल ऑफ सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी होता है और ये लिफाफा जो है आई जी एस टी नाम के लिफाफे में लपेट कर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से आधा पैसा ट्रांसफर करती है सी जी एस टी फंड के अंदर और बाकी आधा पैसा डेस्टिनेशन स्टेट फंड के अंदर या डेस्टिनेशन जो फंड है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है उसकी प्रैक्टिस यहां मैंने शानदार तरीके से करवा रखी कि इंट्रा टू इंटर इंटर टू इंट्रा वैसे करके उसकी बात यहां पर करी जाती है अब जितने में उतनी बातें हैं अब आपका जो जीएसटी लॉ है या जीएसटी है उसकी अलग अलग ब्रांच बन गई सी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी सो कोरस्पॉडिंगली टैक्स को टैक्स कहे जाने के लिए उसके एक लीगल बैकिंग का होना बड़ा जरूरी होता है इसी कारण से यहां पर आकर भी इनके लिए अलग अलग रेस्पेक्टिव एक्ट बनाए गए सी जी एस टी एक्ट दो हजार सत्रह एसजीएसटी यूटी एक्ट दो हजार सत्रह आई जी एस टी एक्ट दो हजार सत्रह यहां पर बनाया गया लेकिन कंटेंट सबका लगभग एक ही जैसा है सबका मालिक एक है विविधता में एकता फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भले अने ही अनेकों भाषाएं हैं अनेकों जातियां हैं हम में विविधता बहुत ज्यादा है हिंदुस्तानियों में लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इसलिए लॉ सारा आपका एक ही है ठीक है सर जी उसके बाद में एक बनाया गया कॉम्पनसेशन जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट बनाया गया कॉम्पनसेशन सेस एक्ट बनाया गया और एक बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी जब आया तो संविधान में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे उन तमाम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया एक सिंगल एक्ट के अंदर जिसका नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू राइट यस सर उसके बाद में यहां इंट्रोडक्शन का चैप्टर आपका चल रहा है क्रेडिट के कॉन्सेप्ट की हमने बात करी है पता नहीं कब कहां कैसे इस्तेमाल करना पड़ जाए तो क्रेडिट कॉन्सेप्ट के लिए हमारा जरूरी होता है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे पॉसिबल है कैसे किया जाता है तो यहां पर बात करते हैं सीआईएस सीआईएस और इसमें दो चीज ध्यान रखनी है एक होता है एक्सटर्नल सीक्वेंस इनका एक होता है एक्सटर्नल सिक्वेंस एक होता है इंटरनल सिक्वेंस एक्सटर्नल सिक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे फिर सीजीएसटी का और फिर एस जीएसटी का इस्तेमाल किया जाएगा और इंटरनल सीक्वेंस के अंदर जब आईजीएसटी की बात करेंगे तो पहले अपने के लिए फिर सी जीएसटी किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनल सीक्वेंस के अंदर सी पहले अपने के लिए और फिर आईजीएसटी के लिए और इसी तरीके से एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पहले अपने के लिए फिर आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट ऑफ आई विल बी यूटिलाईज फॉर द पेमेंट ऑफ आई फ्टर दैट इफ बैलेंस इज रिमेनिंग यूटिलाइज फॉर देमेंट ऑफ सीजीएसटी एस जीएसटी ऑब्बल यूजीएसटी इन एनी रेशो एनी सिक्वेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है सेकंड नंबर पर सीजीएसटी का credit इस्तेमाल किया जाएगा एंड द क्रेड ऑफ सीजीएसटी उसके बाद अगर कुछ बचता है तो दैट विल भी यूलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आई उसके बाद में एस जीएसटी का क्रेडिट आएगा दैट विल यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एस जीएसटी अगर कुछ बचता है तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा राइट right है एकदम राइट right है जी उसके बाद में आगे पॉइंट पर आइएगा ऐसे ही यूटी जीएसटी का जो क्रेडिट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अगर कुछ बच जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है आई जीएसटी के क्रेडिट के लिए ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है चले आगे हाँ सर जी चलो ये था आपका एनालिसिस ऑफ प्री एंड पोस्ट जीएसटी वो तो अब उसकी आवश्यकता नहीं है इस मूवमेंट पर रिवीजन के लिए वो समझने के लिए होता है कि पहले लॉ में और अब के लॉ में क्या किस प्रकार से बदलाव यहां देखने को मिले हैं ठीक है जी तो उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी मुझे नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन फिर भी बता सकते हैं साहब मल्टीपल टैक्स खत्म हो गए मल्टीपल लॉ खत्म हो गए कास्ट कटिंग मर गया डबल टैक्सेशन खत्म हो गया रेवेन्यू सरकार का बढ़ गया ट्रांसपेरेंसी आ गई सारे बिजनेसमैन की अस्थिर हो गई जो चोरी करते थे बाकी सब खुश हैं सरकार के लिए बढ़िया है विकास होगा बहुत सारे पॉइंट इसके फायदे में लिखे जा सकते हैं विदेशी लोग इंडिया में आएंगे क्योंकि यहां पर इंफ्रा टैक्स का इंफ्रा सुधर चुका है इस तरीके से <coughs> यहां पर बात करी जाती है ये इसका बताया गया कि भाई किस प्रकार से जीएसटी इंडिया में आया था तो सबसे पहले फ्रांस में इंडिया में आया था 2004 में केलकर टास्क फोर्स ने उसका जिक्र किया था उसके बाद में फिर 2017 में फाइनली इंडिया के अंदर आ ही गया तो ये मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं आएगा एग्जाम में आगे है जीएसटीएन जीएसटीएन एक वही आपका जीएसटी का पोर्टल हो गया जिसे ओन्ड और मैनेज करता है जीएसटी नेटवर्क जो कि एक कंपनी है सेक्शन नंबर आठ ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी में फंडिंग करती है फिर यहां से पैसा आगे इन्फोसिस को दे दिया जाता है जिसने की पोर्टल को डेवलप किया है जीएसटी का पोर्टल ओन्ड किया जाता है बाई जी और जो पोर्टल है ये तमाम प्रकार की आपको जानकारियां यहां पर देकर चलता है मालिक तो पोर्टल तो हमारा हमेशा खुला ही रहता है क्योंकि मेरा चाहे रेगुलर बैच हो चाहे फास्ट ट्रैक बैच हो चाहे इंटरमीडिएट का हो मैं पोर्टल का इस्तेमाल भर भर के करता हूं मालिक तो पोर्टल क्या क्या करवाता है मैं लॉग कर दू इस पे मेरी अपनी खुद की दो कंपनी दो कंपनी के डेटा को लेकर मैंने सारा का सारा रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है ई e बिल कैसे बनता है और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आधार ऑथेंटिकेशन क्या है सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको बता के चला हूं तो यहां पर इसका लॉगिन कर देते हैं ये कैप्चा हो गया सेवन फाइव वन सेवन फाइव वन और वन फाइव सिक्स सेवन फाइव वन वन फाइव सिक्स करके आगे जी ठीक है <coughs> मेरी कंपनी आभास एजोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके है और यहां पर आकर मालिक जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या करता है सर्विसेज में आ जाइए सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन पर हम आ जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के अंदर सारी चीजें सिखाई जाती हैं नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहां पर क्लिक कीजिएगा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड आपने थ्योरी में पढ़ा है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये बैच के दौरान सारे के सारे टैब्स मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रखे हैं एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब बैच के अंदर आपको करा चुका हूं एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड एप्लीकेशन है किसके लिए विथड्रॉल एप्लीकेशन है आपका फॉर विद्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम स्टॉक इंफॉर्मेशन की बात यहां पे करके चल रहे हैं तो सारी चीज आपकी निकल के आती है उसके बाद वो ये जीएसटी लॉ पे आगे कहा गए सर्विसेज के अंदर हम जब आते हैं मालिक तो यहां पर रजिस्ट्रेशन हो गया जी ये, uh, registration. Registration के बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर दो हिस्सों में बटा होता है पार्ट वन होता है पार्ट वन के अंदर रिटर्न बेस्ड लाइब्रेटीज होती है पार्ट टू के अंदर वो लाइब्रेटीज होती है जो कि डिपार्टमेंट का अधिकारी यहां पर आपके लिए डिमांड क्रिएट करके चलता है पार्ट टू के अंदर वो वाली लाइब्रेटरीज आपकी होती है ऐसे ही करके यहां पर जब हम बात करते हैं मालिक तो लेजर्स के अंदर आकर ई क्रेडिट लेजर अपना हो गया उसमें सारी जानकारी दे रखी होती है सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली आपको बता रखी हैं उसके बाद रिटर्न की चर्चा यहां पे की जाती है रिटर्न डैशबोर्ड रिटर्न फाइल करने सिखा रखी है जीएसटीआर वन हो चाहे थ्री बी हो ट्रैक रिटर्न स्टेटस आईटीसी फॉर्म आईटीसी फॉर्म की जरूरत पड़ती है जब हम सेक्शन नंबर एटीन आईटीसी का पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आईटीसी के फॉर्म्स आते हैं कि जो भी आपका बचा कुछ आप क्रेडिट है उस क्रेडिट को आप कैसे क्लेम करते हैं वो सब फॉर्म मैंने आपको फाइल कर करके यहां पे दिखा रखे हैं टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट हो गया ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न उसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न ट्रांजिशन फॉर्म ट्रांजिशन फॉर्म की आपको आवश्यकता नहीं है पुराने में हुआ करते थे पुराने में मतलब जब आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय की बात हुआ करती थी मैं दिखा रहा हूं पोर्टल क्या करता है क्या क्या चीजें होती हैं पोर्टल पर पेमेंट पेमेंट करके दिखा रखा है क्रिएट चलान आपको दस बार मैंने चलान क्रिएट करके दिखा रखा है कि चलान कैसे बना, बनता है उसके बाद में फिर चलान का पेमेंट कैसे होता है कैसे बैंक की वेबसाइट जीएसटी के पोर्टल को अपडेट करती है और किस प्रकार से आपका ई कैश लेजर अपडेट होता है थ्योरी के साथ साथ सारा का सारा प्रैक्टिकल मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है सेव्ड चलान एटसेट्रा यूजर सर्विस आगे माई सेव्ड एप्लीकेशन व्यू या डाउनलोड सर्टिफिकेट आपको अपना कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है यहां तक अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है तो यहां से कर फीडबैक एटसेट्रा आ गया व्यू माई एल यूटी एटसेट्रा माई एप्लीकेशन बहुत सारी एप्लीकेशन आपके यहां से फाइल की जाती जैसे एडवांस रूलिंग के लिए हो गया ये और बहुत सारी जिसमें आपको दिखाना चाहूंगा मैं यहां पे आके एडवांस रूलिंग के लिए आप जाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट जो डिमांड रिकवरी चैप्टर में जाते हैं उसके लिए यहां पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अपील टू ऑपरेट अथॉरिटी रिफंड के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ उसके लिए तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी यहां से फाइल की जाती है सारी की सारी एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा रखी किस प्रकार से इनकी फाइलिंग करी जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है राधे उसके बाद में सर्विसेज के अंदर आकर यूजर सर्विस में आगे हम यूजर सर्विस में फर्निश एल यू टी आ गया लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर आप यहां से जीएसटी प्रैक्टिशनर अपने नियर बाई ढूंढ सकते हो जैसे कि यहां पर आ जाते हैं हम तो नेम एरिया पे क्लिक कीजिए आप जोन से भी एरिया में चाहते हैं मान लीजिए मैं अगर यहां पर दिल्ली में चाहता हूं दिल्ली के मैं ईस्ट अगर मैं चाहता हूं तो यहां पे क्लिक कीजिए आपके एरिया में जितने भी ये जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं सब की डिटेल फोन नंबर ईमेल आईडी आपका आ जाता है आप उनमें से किसी के साथ भी डील करना चाहते हैं काम करवाना चाहते हैं तो आप उनके साथ में डील कर सकते हैं उनकी पूरी डिटेल यहां पर अवेलेबल होती है तो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता पड़ती है और उसमें आपका नासिन के द्वारा जो नेशनल अकेडमी है जहां पर आईआरएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है वहां पर इनका एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है और उसके बाद इनको सर्टिफिकेट यहां पर दे दिया जाता है सर्विसेज के बाद में आपका पेमेंट यूज सर्विसेज रिफंड रिफंड की एप्लीकेशन किस प्रकार से फाइल की जाती है अलग अलग प्रकार के रिफंड होते हैं कौन से रिफंड में आप क्लेम करना चाह रहे हैं वो सारा भी मैंने आपको बता रखा है मालिक यहां पर आकर ई वे बिल पूरा एक घंटे का समय लगा रखा ई ईवी बिल बनाना कैसे बनता है कैसे कैंसिल होता है क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर व्हीकल अगर चेंज करना हो तो क्या किया जाता है सारी बातें आपको बता रखी है ये तमाम काम होता है आपको पोर्टल पे यहां पर सिखाया जाता है करवाया जाता है मालिक ठीक है जी उसके बाद तो यही हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन रिटर्न आईजीएसटी का सेटलमेंट मैचिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल उसमें रेटिंग दी जाती है कि भाई वो कितना कंप्लायस फ्रेंडली है व्यक्ति है आईटीसी का पूरा मैकेनिज्म अपना हैंडल किया जाता है जीएसटीआर वन टू ए ये सारा काम जीएसटीएन का होता है कॉमन पोर्टल का यहां पे रखवाया जाता है ठीक साहब यस सर आगे आता है यहां पर आपका जीएसपी और एएसपी ये जीएसपी एएसपी क्या होते हैं ये व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाता है जीएसपी एएसपी कि अगर यहां पर टैक्स पेयर है आपका अपना कंप्यूटर रख के बैठा हुआ है इसे जीएसटीआर वन भरना है टू भी भरना होता है हालांकि आजकल टू नहीं है तो थ्री भी बनना होगा तो यहां पर क्या होगा कि इसके सिस्टम के साथ में एक सॉफ्टवेयर अटैच कर दिया जाता है आठ हजार रुपए की वो सॉफ्टवेयर अटैच कर दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर जीएसटी पोर्टल के साथ कम्युनिकेट करता है यानी कि टैक्स पेयर और जीएसटी पोर्टल के बीच में कम्युनिकेटर का, का काम करता है ये जीएसटी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो जीएसपी है ये यहां आपके सिस्टम से रॉ डेटा को पुल करेगा और जीएसटी के पोर्टल पर उस डेटा को पुश ये कर देता है और जो इसमें ए है ये इस तरह से मान के चलिए जैसे दूध में हॉर्लिक्स दूध की शक्ति को बढ़ाता है वैसे ही जो ए है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर वो जीएसपी की शक्ति को बढ़ाता है उसको और अच्छे से काम करने के लिए एक्टिव बनाता है एएसपी तो एएसपी इज ए पार्ट ऑफ जीएसपी तो मेन जो सॉफ्टवेयर आपका जीएसपी का है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एंड इट्स ए कम्युनिकेटर बिटवीन द जीएसटी पोर्टल एंड द टैक्स सर इज इट ओके यस दिक्कत वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए तो यहां पर आकर आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर मालिक कंप्लीट हो जाता है अब बात करते हैं अगले चैप्टर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की छोटे मोटे चैप्टर चल रहे हैं इन चैप्टर्स की समाप्ति के बाद में हम अपना डिस्कशन करके चलेंगे मालिक वही बाबा की बूटी के पैटर्न के आधार पर गुड सर्विसेज सप्लाई इंट्रा इंटर एटसेट्रा वो तमाम प्रकार की बातें हमारी यहां पर करी जाएंगे ठीक है साहब अगला पॉइंट आता है आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मुख्य तौर पर यहाँ पर चार आर्टिकल आपको देखने चाहिए आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए आर्टिकल नंबर 269 269 कैपिटल ए आर्टिकल नंबर 366 और आर्टिकल नंबर आ गया आपका 279 कैपिटल ए आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए ये बोलता है अगर आपकी स्टेट सप्लाई है तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी आपके लेवी होते हैं उनके लिए लॉ बनाने की पावर आपको है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के लिए और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को अपना लॉ बनाने की पावर यहाँ पर दी जाती है साथ में यह भी बोलता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है इज इट ओके और जब जहां पर हम इंट्रा की बात करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साइमल्टेनियस या शेयर्ड पावर वहां पर दी जाती है क्योंकि जब भी हमारी इंटर ट्रांजेक्शन होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के दोनों आपके लगाए जाते हैं इसी आर्टिकल के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है कि फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है आपके उन पर जीएसटी अभी नहीं है हाँ नियर फ्यूचर में जब जीएसटी काउंसिल चाहेगी तब से वहां पर जीएसटी लगाया जा सकता है उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर आ, आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए करके यहां पर आता है साहब जो ये बताता है कि जो भी आईजीएसटी आपका लगाया गया है वो आईजीएसटी 50 परसेंट जो सीजीएसटी फंड में ट्रांसफर किया जाएगा और बाकी 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का उस पे राइट रखवाया जाता है उसके क्लासिफिकेशन यहां पर किया जाता है दूसरी एक और बात जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी सेंट्रल लेवल के पास में टैक्सेस जाते हैं उनका बयालीस प्रतिशत घूमकर स्टेट्स को ही दिया जाता है अब यहां पर जो आईजीएसटी लगेगा मान लीजिए हजार करोड़ का आईजीएसटी लगा है तो क्या हजार करोड़ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा हजार करोड़ में से बयालीस परसेंट बांटने की बात कर रहे हैं या पहले हजार करोड़ के टुकड़े कर दीजिए हजार करोड़ के टुकड़े का मतलब पांच सौ करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा पांच करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा जी हां ऐसा ही होगा पहले जिसका जो बनता है वो दे दो हजार करोड़ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जरूर है लेकिन हजार करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है उसमें से 500 करोड़ तो स्टेट गवर्नमेंट का है तो 500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा जिसका भी बनता है और बाकी 500 करोड़ सीजीएसटी फंड में जाएगा फिर इस सौ करोड़ जो सीजीएसटी फंड में से गया है इसमें से और जो और भी इनके इनकम टैक्स वगैरह का जो पैसा होगा उन सबका बयालीस प्रतिशत स्टेट्स के बीच में आगे बांटा जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि हजार करोड़ में का बयालीस प्रतिशत नहीं होगा पहले हजार करोड़ का बंटवारा होगा पांच सौ करोड़ फिर अपना जो पांच सौ करोड़ था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा था उसमें से बयालीस यहां पर इनको बांटा जाता है वैसी वाली बात यहां पे करी जाती है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी हम इंटर स्टेट के नाम से ही जानकर चलेंगे और साथ में इसी आर्टिकल के अंदर यह बताया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने की पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर दी जाती है कोई भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होगी या इंटर स्टेट होगी ये डिसाइड करेगी एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि अगर इसको डिसाइड करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता तो हर स्टेट चाहता कि प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे स्टेट में आके निकले और वहां पर लठ चल जाते और सर फूट जाते इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट्स तुम घर बैठे रहो प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट में फॉल करेगा इसके नियम कानून एक्सक्लूसिवली हम बनाएंगे इसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन लॉ बनाने में नहीं होगा राइट यस सर तो इसके बाद में आता है आपका आर्टिकल नंबर 366 आता है जो बताता है जीएसटी की परिभाषा क्या है जीएसटी में बताता है गुड्स है, और सर्विसेज टैक्स जो भी अपना गुड्स या सर्विस के ऊपर लगने वाला है लेकिन बट एक्सक्लूडिंग एल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजन शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता उसके पीछे कारण है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी सिक्स फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता उसके पीछे कारण है एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल नंबर टू फोर्टी सिक्स कैपिटल ए करके है कि अभी नहीं लगता बाद में लगेगा जब जीएसटी काउंसिल चाहेगी याद रखिएगा दोनों की रीजनिंग अलग अलग है यहां पर बोलते हैं फिर गुड्स क्या है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को हम यहां पर गुड्स के रूप में रख के चलेंगे सर्विस क्या है एनीथिंग अदर देन जो गुड्स है वो आपका सारा का सारा सर्विस में ही क्लासीफाई किया जाएगा और उसके बाद में स्टेट्स क्या है जो भी आपके नेचुरल स्टेट्स हैं वो और जो स्टेट्स का अपना ओन लेजिस्लेचर है यानी कि अपनी खुद की असेंबली अपना सीएम है उनको भी यहां पर हम स्टेट के रूप में ही देखकर चलेंगे इसकी बात आगे चल के डेफिनेशन चैप्टर में एलबोरेट करने वाला हूं फिर आ जाता है आपका जीएसटी काउंसिल यहां पर जीएसटी काउंसिल एक सुपर पावर बॉडी है आपको इंडस्ट्रीज को कोई भी दिक्कत होती है वो जीएसटी काउंसिल को जाके अप्रोच करते हैं वहां पर जाकर अपना बताते कि भाई हमें ये चेंज लाना है फर्टिलाइजर पर जीएसटी का रेट बारह परसेंट की बजाय पांच परसेंट होना चाहिए ऐसा प्रपोजल लेकर पहुंच जाते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर ये सारा का सारा डिस्कस किया जाता है और वहां पर अगर सेवेंटी फाइव परसेंट या मोर की फेवरेबल वोटिंग पड़ जाती है तो फिर जीएसटी काउंसिल उसे रिकमेंड कर देती है आगे गवर्नमेंट के लिए फिर गवर्नमेंट उसे आगे नोटिफाई कर देती है और नोटिफिकेशन के बाद में फिर वो एक्ट का पार्ट बनकर इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है सेवेंटी फाइव परसेंट की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वोट है हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना वोट यहां पर दिया हुआ है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करके चलते हैं दूसरी बात ये है कि वोट के अंदर वेटेज भी दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज वन बाई थ्री की है स्टेट की वेटेज यहां टू बाई थ्री की दे रखी है और इन दोनों को मिलाकर अगर सेवेंटी फाइव परसेंट या उससे अधिक वेटेड परसेंटेज फेवरेबल वोटिंग पड़ती है तो आगे रिकमेंडेशन पास भेज दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया एक वोट स्टेट गवर्नमेंट के हो इकतीस वोट यहां पर आकर अब मान लीजिए किसी प्रपोजल के ऊपर पच्चीस स्टेट एग्री करते हैं तो क्या किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो भैया एक था एक वोट फेवर में दे दिया तो एक ही वोट था एक वोट फेवर में इन्होंने यहां पर दे दिया तो ये कितना निकल के आएगा वन बाय वन इतना इतना तो ये आ जाएगा भाई साहब यहां पर ऐसे कर करेंगे और दूसरा जो है अपना वो क्या करेंगे और स्टेट की अगर बात करके चलें तो पच्चीस बटा इकतीस इन टू हंड्रेड ये करेगा यहां से काट देता हूं ये खिसक गया इधर <coughs> ये यहां पे निकल के आ जाएगा तो ये आ गया आपका हंड्रेड परसेंट और ये निकल के आया आपका यहां पर एट्टी पॉइंट सिक्स फाइव अब इनकी वेटेज दी जाती है वेटेज में आधे आधी वेटेज नहीं है वन बाई थ्री की है टू बाई थ्री की वेटेज इसकी है वेटेज के बाद इनका जो निकल के आया वो इतना आया इसका फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन सेवन आया दोनों को हमने जोड़ दिया जोड़ने के बाद आता एट्टी सेवन पॉइंट वन जो कि मोर देन सेवनटी फाइव परसेंट है इसलिए इस प्रपोजल पर रिकमेंडेशन आगे दे दी जाएगी इज इट ओके यस सर और को दिक्कत वाली बात सर जी यहां पर नहीं है वेरी गुड आगे चले बच्चा आगे है आर्टिकल नंबर 246 फोर्टी सिक्स साथ में सेवंथ शेड्यूल की बात कर रखी है इट इज नॉट रेलिवेंट एज ऑफ नाउ दिस टेबल इज नॉट रेलिवेंट आगे सम अदर प्रोविजन भी है ये भी आपके रेलिवेंट नहीं है तो कुल मिलाकर चार आर्टिकल यहां पर आए आर्टिकल 246 कैपिटल ए आर्टिकल 269 कैपिटल ए आर्टिकल 366 और आर्टिकल नंबर टू सेवेंटी कैपिटल ए जिसमें बात की जाती है जीएसटी काउंसिल की तो जीएसटी काउंसिल के अंदर और भी बातें बताई जाती है कि भाई साहब यहां पर आकरण का जो आ, प्रपोजल है वो अपना यहां इस प्रकार से पास करवा दिया जाता है कोरम की इनको आवश्यकता पड़ती है कम से कम आधे व्यक्ति यहां पर होने चाहिए उस प्रकार की तमाम बातें यहां पर करी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि सीए फाइनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में से आपको टेस्ट किया जाएगा लेकिन इस बार पूछ लिया था छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था संविधान के ऊपर इसलिए चैप्टर तो आप कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया था जो आपका अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछ लिया था मालिक तो डेफिनेशन का चैप्टर आता है लगभग लगभग 150 के आसपास की डेफिनेशन हैं सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट के अंदर एंटायर जीएसटी लॉ के अंदर आपकी जितनी भी डेफिनेशन हैं जितनी भी डेफिनेशन हैं उनको मैंने इकट्ठा यहां पे कर दिया है और एक बार उन तमाम टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग हमें क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे चैप्टर्स में स्मूथली चलते चलेंगे क्योंकि हमें हर शब्द का मीनिंग पहले से पता होना चाहिए इज इट ओके यस सर और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है पहली डेफिनेशन आती है इसमें आपके एक्शनेबल क्लेम की एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और उसका क्या रोल है मैं आपको बताता हूं देखिए एक्शनेबल क्लेम आपका गुड्स की कैटेगरी में रखवाया जाता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स कहते किसे एक्शनेबल क्लेम किसी भी प्रकार की जो क्वांटिजेंट असेट होती है उसे एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशंस, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग एटसेट्रा ये सारी की सारी चीजें आपकी एक्शनेबल क्लेम के तहत आती हैं, जो कि एक गुड्स होता है लेकिन जब हम सप्लाई वाले बॉक्स पर आते हैं तो वहां पर यह बताया जाता है बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी को छोड़कर बाकी जितनी भी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम है वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएंगी उन पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा कारण साफ है कि बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पर पहले जीएसटी लगाया जाता था आज सॉरी पहले एक पुराना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवल का लगाया जाता था इसलिए आज जीएसटी भी लगाया जाता है बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम के ऊपर पहले कोई किसी प्रकार के टैक्स की बात नहीं की जाती थी इसी वजह से आज भी वहां पर कोई किसी प्रकार के टैक्स की बात नहीं की जाती है उस घटना को सप्लाई ही नहीं माना जाता है राइट right, सर वही बात आपकी यहां पर लिखी हुई है उसके बाद में आगे बोलते हैं व्हाट अबाउट डीटीएच वाउचर्स जिसमें कि सर्टेनिटी होती है एक्शनेबल क्लेम में सर्टिनिटी नहीं होती है लेकिन जहां पर सर्टनिटी होती है दैट कैन थिंक कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम आगे है एड्रेस ऑफ डिलीवरी नाम से पता लग रहा है एड्रेस ऑफ डिलीवरी होनी है यानी कि यहाँ पर ये के एड्रेस की बात कर रहा है इफ यू नो द एड्रेस ऑफ डिलीवरी इसका मतलब आपको गुड्स का डेस्टिनेशन पता है और अगर आपको उसका डेस्टिनेशन पता है तो फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पर बनाया जाएगा इंट्रा या इंटर डिसाइड करते समय प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत पड़ती है उस समय हमें इस शब्द की जरूरत पड़ती है कि एड्रेस और डिलीवरी क्या है अगर हमें पता है तो वही प्लेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पर बन जाता है ठीक है जी तो बेसिकली जो एड्रेस का रेसिपियंट होता रेसिपियंट का जो एड्रेस होता है जो इनवाइस पे लिखा हुआ होता है वही होता है एड्रेस ऑफ डिलीवरी आगे है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड किसका एड्रेस किसके रिकॉर्ड में का address, का एड्रेस, एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में आपका एड्रेस मेरे रिकॉर्ड में आपने पेन ड्राइव गूगल ड्राइव परचेज किया है आपका एड्रेस मेरे रिकॉर्ड में है इसका मतलब यह हो गया कि आई नो योर लोकेशन आई नो योर स्टेट आई नो योर सिटी और विलेज एटसेट्रा अगर सप्लायर को रेसिपियंट की लोकेशन पता होती है तो वैसे वाले मामले के अंदर

अपिलेट अथॉरिटी यहां पर होती है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पर है जिसमें आपके एन अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू पास एन ऑर्डर एसीडीसी एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर कमिश्नर ये सभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हिस्से में आते हैं लेकिन आपकी अपलेट अथॉरिटी अपलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बनते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इट्स अ डिफरेंट अथॉरिटी ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बनेगी वो तो पूछताछ केंद्र है सीबीआईसी जो क्लरिफिकेशन जारी करता है जो टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों के बीच मनमोटाव को कम करने का प्रयास करता है वो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है उस बात को यहां पर बताया जाता है अपील चैप्टर में आती है एक रिविजन अथॉरिटी आती है जो डिपार्टमेंटल अपील के लिए एक गुप्त रास्ता होती है वो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब पास कर रही है, यानि जो OIO, करती है, क्या है हम अच्छे से जानते हैं कि प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा हो या एजेंट से ले रिया हो दोनों ही मामलों में उसे सप्लाई बनाते हैं भले ही वो आपके एफ ओ सी क्यों ना हो ऐसा हमने पहले से पढ़ रखा है एजेंट किसे कहेंगे वो व्यक्ति जो दूसरे के बिहाफ पर काम करता है और सुनो एक बड़ा शब्द बिहाफ वो व्यक्ति जो दूसरे के बिहाफ पर काम करता है ऐसे व्यक्ति को एजेंट कहा जाता है प्रिंसिपल कौन हुआ जिसके बिहाफ पर कोई और आदमी काम करे उस व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है यानी कि नौकर कौन जो मालिक के लिए काम करे मालिक कौन जिसके लिए नौकर काम करते हो उसे मालिक कहा जाता है तो एजेंट वो जो उसके ब्याह पे काम करे वो कौन जिसके ब्याह पर एजेंट काम करे इस प्रकार से बात करी जाती है यहां पर एजेंट का मतलब उस वाले एजेंट से है जिसके थ्रू इनवॉइसिंग करी जाती है जिसके हृदय में होकर इनवॉइसिंग का तार निकलता है उस वाले एजेंट को यहाँ पर हम बात करके चल रहे हैं प्रिंसिपल ने एजेंट को बिलिंग करी एजेंट आगे कस्टमर को बिलिंग करता है इस वाले एजेंट की बात कर रहे हैं इसे रिस्पॉन्सिबल एजेंट भी कहा जाता है अगर एजेंट हवा हवाई एजेंट है सिर्फ दोनों पार्टीज को मिलाने का काम कर रहा है सप्लायर आदमी डायरेक्टली बायर को ही बिलिंग कर रहा है एजेंट सिर्फ मिलाने का काम कर रहा है तो ये वाला एजेंट इसके लिए यहां पर एजेंट की बात नहीं करके चल रहा है जिसके लिए हम प्रिंसिपल और एजेंट की चर्चा यहां पर कर करके चल रहे हैं मालिक इज इट ओके एजेंट का कुछ भी नाम हो सकता है ब्रोकर हो आड़तिया हो डेल क्रेडेयर कमीशन हो कुछ भी नाम यहां पर हो सकता है फर्क नहीं पड़ता बस इतना होना चाहिए कि दूसरे के बिहाब पर काम करने वाले बंदे को एजेंट यहां पर कहा जाता है एग्रीगेट एग्रीगेट किसे कहा जाएगा? टर्नओवर के लिए पहली बात आप मुझसे टर्न ओवर पूछोगे तो मैं आपको मैं यहां पर एग्रीगेट टर्न ओवर में एड करूंगा इनवर्ड सप्लाई से मुझे कोई मतलब नहीं है चाहे वो एनसीएम की हो चाहे वो आरसीएम की हो आउटवर्ड को छोड़ूंगा नहीं इनवर्ड को छेड़ूंगा नहीं आउटवर्ड होनी चाहिए और सप्लाई होनी चाहिए अगर कोई घटना सप्लाई नहीं है तो यहां पर नहीं आएगी ट्रांसफर टू जॉब वर्कर जो होता है वो सप्लाई नहीं बनता इसलिए वो आउटवर्ड सप्लाई की कैटेगरी में इस कैलकुलेशन में नहीं आएगा आउटवर्ड सप्लाई में चाहे इंट्रा हो इंटर हो टैक्सेबल हो या जीरो रेटेड हो, कैसी भी हो आउटवर्ड हो और सप्लाई हो वो यहां पर आप ही काउंट कर ली जाएगी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जब सप्लाई होती है तो वो आपके एजेंट भी प्रिंसिपल की काउंट किया जाता है जो क्लबिंग की जाती है ऑल इंडिया बेस पर क्लबिंग की जाएगी पेन बेस्ड मेरा एक परमानेंट अकाउंट नंबर है ऑल इंडिया में दस मेरे प्रमिसेज है तो दसों प्रोमिस का आउटवर्ड सप्लाई इकट्ठा करके ऐड किया जाएगा सबसे महत्वपूर्ण बात एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय जीएसटी और कॉम्पनसेशन तो एक्सक्लूड रहेगा लेकिन पुराने टैक्सेस आपके शामिल ही रहेंगे पुराने टैक्स शामिल रहेंगे इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यहां पर वैल्यू आ रही है आपकी सौ रुपए की एक्साइज ड्यूटी टोबैको की बात कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी रुपए की है है ये हो जाता है आपका उसके ऊपर जीएसटी की बात करी जाती है फिर सेस की बात यहां पर जाती है आप मुझे बता सकते हैं एग्रीगेट टर्न ओवर निकालने के लिए कौन सी वैल्यू को पकड़ू हंड्रेड को पकड़ू या एक सौ दस को पकड़ू जी आपको एक सौ दस को पकड़ना है यानी कि जिस तरह से असेसबल वैल्यू निकालते हैं उसी प्रकार से उस वाली वैल्यू को आपको पकड़ के चलना है पुराने टैक्सेस एग्रीगेट टर्न निकालते समय इंक्लूड रहेंगे शामिल रहेंगे जीएसटी और कॉम्पनसेशन आपका शामिल नहीं रहेगा इस प्रकार की बात यहां पर आपकी करी जाती है उसके बाद में आगे निकल के आते हैं मालिक <coughs> यहां पर और भी कई सारी बात निकल के आती है लाइक टैक्सेबल सप्लाई क्या है जिस पर जीएसटी आपका लेवी होता वो टैक्सेबल सप्लाई है एग्ज सप्लाई क्या है जो रेटेड है वो एग्जेम्पेड सप्लाई है जो 100 परसेंट एक्जन नोटिफिकेशन का शिकार है वो आपकी एग्जाम सप्लाई है जो नॉन टैक्सेबल है शराब और पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा ये भी आपके सप्लाई का हिस्सा ही आकर बनते हैं जीरो रेट सप्लाई क्या है एक्सपोर्ट सप्लाई को जीरो रेट सप्लाई के नाम से जानते हैं चाहे आपने एक्चुअल में एक्सपोर्ट किया हो अब्रॉड के लिए या फिर आपने एस के डेवलपर या उसकी यूनिट को सप्लाई किया हो इसको भी हम जीरो रेट के नाम से ही जानकर चलते हैं उसके बाद में नंबर आता है यहां पर एग्रीकल्चरिस्ट का एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है कौन हाथ होता है किसान आदमी जो खेतों में खुद मेहनत करता है वो किसान जो जान हथेली पर लेके चले वो राजपूत ऐसे ही जो खेतों में काम करे वो व्यक्ति यहां पर किसान कहा जाता है मान लीजिए खुद काम नहीं करता लेकिन परिवार के सदस्य खेतों में काम कर रहे हैं उस व्यक्ति को वहां पर किसान कहा जाएगा न खुद काम करता है न परिवार के सदस्य काम करते हैं बल्कि हायर्ड लेबर से काम करवाता है पर उस हायर्ड लेबर को स्वयं या परिवार के सदस्य मैनेज सुपरवाइज करते हैं तब भी ऐसे व्यक्ति को किसान कहा जाएगा किसान अगर इंडिविजुअल या फर्म के रूप, के रूप रूप में है तो वो गेट नंबर चार से बाहर हो जाता है उसे टैक्सेबल पर्सन नहीं कहा जाता है इसलिए परिभाषा हमारे लिए देखनी यहां पर जरूरी हो जाती है अगर एक किसान आदमी एक्सक्लूसिवली किसानी ही कर रहा है जीएसटी के दायरे से मुक्त लेकिन अगर वह व्यक्ति किसानी के साथ साथ अपनी शहर में दुकान भी चला रहा है तो दुकान का टर्न प्रूव एक्सक्लूसिवली किसानी में नहीं आया तो फिर उसकी जो खेती बाड़ी है वो और जो उसकी दुकान का टर्न है वो दोनों को जोड़ दिया जाएगा जोड़ने के बाद एग्रीगेट टर्न निकालेंगे अगर उसका एग्रीगेट टर्न ओवर लिमिट से ज्यादा जा रहा है तो फिर ऐसे बंदे को भी रजिस्ट्रेशन की बात यहां पर करवाई जाएगी तो एज ए दुकानदार उसे जीएसटी अपना भरना पड़ जाएगा और एग्रीगेट टर्न निकालते समय उसकी फसल की वैल्यू को भी जोड़ दिया जाएगा वैसे करके यहां पर बात करी जाती है उसके बाद में यहां पर एक वर्ड आया था कि फैमिली फैमिली किसे कहेंगे तो फैमिली के अंदर भाई कौन कौन आ गए पति पत्नी ये तो है फैमिली का हिस्सा और बच्चे पति पत्नी और मतलब हम दो हमारे दो ये तो अनकंडीशनली ऑलवेज फैमिली का हिस्सा है ही है लेकिन इसके साथ साथ माता पिता भाई बहन माता पिता और भाई बहन और दादा दादी ये परिवार का हिस्सा तब बनेंगे अगर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो फ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू होल्ली डिपेंडेंट ऑन यू ओनली देन ये आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे लेकिन हम दो हमारे दो ऑलवेज चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो चाहे पत्नी अलग कमाती हो बेटा अलग कमाता हो बेटी अलग कमाती हो भले ही कुछ भी अलग अलग कमाते हो बट स्टिल ये आपके हम दो हमारे दो ऑलवेज एक फैमिली का हिस्सा बने रहेंगे अपलेट अथॉरिटी क्या है अपलेट अथॉरिटी वही जैसे आपके इनकम टैक्स के अंदर सीआईटी अपील होता है वैसे यहां पर आपकी अपलेट अथॉरिटी होती है अपलेट ट्रिब्युनल जैसे इनकम टैक्स के अंदर आईटीएटी होता है, है। मतलब हो धरती पर आया था उसके बाद असेस्मेंट क्या? असेस्मेंट प्यार की तरह होता। एक तरफा प्यार भगोड़ा प्यार दोबारा प्यार है ऐसे करके तो वो नहीं सुना आपने एक लड़की थी दीवाने से गलियों से गुजरा करती थी शायद कहना था कुछ उसको जाने कैसे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे तो बस यही पूछा करती थी ये असेसमेंट कैसे होता है और मैं मैं सिर्फ यही कहा as <laughs> जाता है कई रूप होते हैं जैसे कि खुद से प्यार सेल्फ असेसमेंट कच्चा कच्चा प्यार प्रोविजनल असेसमेंट फटाफट वाला असेसमेंट फटाफट वाला प्यार स्क्रूटनी दोबारा प्यार रीअसेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स रिटर्न जिन्होंने फाइल नहीं करी रीअसेसमेंट ऑफ नॉन रजिस्टेंट ये नॉन फाइलर और नॉन रजिस्टेंट इसमें होता है बेजमेंट जजमेंट का मतलब एक्स एक्स पार्ट मतलब एक तरफा प्यार तो एक तरफा प्यार भी है दोबारा प्यार भी है कच्चा प्यार खुद से प्यार दोबारा प्यार फटाफट वाला प्यार अलग अलग प्रकार का अलग अलग प्रकार के यहां पर सॉरी असेसमेंट की बात यहां पर करी जा रही है वैसे करके उसके बाद में आते हैं आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एसोसिएट एंटरप्राइजेस इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर जाकर मालिक वहां इसकी चर्चा करी जाती है क्या चर्चा करते हैं वो कहता है सेक्शन नाइनटी टू एफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो एसोसिएट एंटरप्राइजेस का मतलब दे रखा है वही यहां पे लिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक दूसरे में 26 परसेंट से ज्यादा होल्ड करता है तो आपस में उनको भाई भाई कहा जाता है टाइम ऑफ सप्लाई में स्पेशल प्रोविजन इसके लिए यहां पर यह दे रखा है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जाती है और इन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज की जाती है तो वहां पर जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो ऐसे निकालेंगे कि पेमेंट कि पेमेंट की डेट हो गई वो डेट और बुकिश और एंट्री की डेट इन द बुक्स ऑफ रेसिपियंट विच एवर इज विच एवर इज अर्लियर वो यहां पर आकर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है साहब हां जी आगे बात करते हैं ऑडिट ऑडिट का मतलब ऑडिट ही होता है और क्या एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया जी ऑथोराइज बैंक हम किसे बोल के चलते हैं यहां पर ऑथोराइज बैंक किसे कहा जाएगा बोलो 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 हाँ जी तो ऑथोराइज बैंक ये वो वाले बैंक होते हैं जो जीएसटी पोर्टल से टाइड अप्ड हैं। जब हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो पोर्टल पर दिखता है कि विच बैंक यू आर सिलेक्टेड करीब छब्बीस 27 बैंक हैं जिनकी लिस्ट जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है जिनके थ्रू जीएसटी का टैक्स का इंटरेस्ट का इन सभी का पेमेंट किया जाता है तो जिन मतलब जिनके पेमेंट गेटवे कनेक्टेड हैं जीएसटी पोर्टल के साथ उनको यहां पर ऑथराइज्ड बैंक कहा जाता है ठीक है जी यस yes, सर थोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो हमें रिप्रेजेंट करे किसी अथॉरिटी के सामने वो हमारा एम्प्लॉ हो सकता है वो हमारा भाई हो सकता है वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है उसे हम एक ऑथोराइजेशन लेटर बनाकर देते हैं और वो हमें किसी भी अथॉरिटी के सामने जाकर रिप्रेजेंट कर सकता है ये एक जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हो सकता है हम जीएसटी प्रैक्टिशनर को भी ऑथराइज करके अपने आप को रिप्रेजेंट कराने के लिए किसी अधिकारी के समक्ष भेज सकते हैं तो जो जीएसटी प्रैक्टिशनर होगा वो हमारे बिहार पर सारा काम कर सकता है वो रिटर्न भी फाइल कर सकता है जीएसटी का पेमेंट भी कर सकता है और रिफंड क्लेम कर सकता है कॉम्पोटिशन के लिए ऑफ्ट फॉर कर सकता है बहुत सारे काम हमारे बिहार पर कर सकता है और ऐसे वाले व्यक्ति को यहां पर हम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के नाम से बुलाकर चलते हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चले आगे हाँ जी चलो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नाम से इसको जाना जाता है ये बोर्ड जो बेसिकली दो होते हैं एक सीबीडीटी हो गया एक अपना सीबीआईसी हो गया तो वैसे करके इसकी बात यहां पर करी जाती है तो उसका काम होता है बेसिकली जब टैक्स पेयर और आपका ये जो डिपार्टमेंट होता है जब भी दोनों में झगड़ा होता है तो टाइम टाइम पर ये क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर्स जारी करता रहता है ताकि दोनों पार्टीज के बीच में समन्वय बना रहे कोऑर्डिनेशन बना रहे मेलभाव बना रहे आपस में झगड़ा ना हो बिजनेस की जो परिभाषा है ये आपके लिए खुद पढ़नी है और मुझे बताना कि ऐसा क्या है जो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इन्होंने कवर नहीं किया ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द वर्डिंग्स बिजनेस एक परिभाषा हुआ करती थी बिजनेस वर्टिकल की ये खत्म हो चुकी है उसके बाद अब तीन परिभाषाएं आती हैं कैपिटल गुड्स इनपुट और इनपुट सर्विसेस की तीनों में सेकेंड कंडीशन देखिए कॉमन है कि देखो ये बात तो हम जानते हैं मालिक कि यार हमारा खेल ही पूरा ये है कि आउटपुट टैक्स और इधर साइड में हमारा इनपुट टैक्स हो गया इनपुट टैक्स का क्रेडिट हम बुक करते हैं इनवार सप्लाई में या तो गुड्स लेकर आएंगे या सर्विस लेकर आएंगे तो गुड्स या सर्विस जो भी लेकर आ रहे हैं दैट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस या इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द बिजनेस बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या करोगे ऐसा होना चाहिए आपका इरादा अगर ऐसे आपके इरादे हैं तो हम इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं गुड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है इनपुट और कैपिटल गुड्स अगर आपका जो गुड्स खरीदने में एक्सपेंडिचर कैपेक्स था कैपिटल एक्सपेंडिचर था गुड्स खरीदने में एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो उसको कैपिटलाइज करते हैं कैपिटल गुड्स बोलते हैं अगर आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था तो उसे यहां पर इनपुट के नाम से जाना जाएगा और अकॉर्डिंगली उस पर जो भी हमने टैक्स चुकाया है जो भी इनपुट टैक्स था उसका क्रेडिट हम अपनी किताबों में बुक कर लेते हैं एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी प्रकार से अपने बिजनेस पर्पज के लिए हम जो भी सर्विस यहां पर ले रहे हैं तो उससे जो भी हमारा टैक्स चुकाया है जो भी उसके संबंध में इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट हम अपनी किताबों के अंदर बुक कर लेते हैं और वो अपना इनपुट सर्विस यहां पर कहा जाता है तो वही वाली बात आपकी यहां है कैपैक्स है और बिजनेस संबंधी है तो कैपिटल गुड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस संबंध इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आपका बन जाएगा ये इनपुट और किसी भी तरह की सर्विस है बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है या होगी तो उसे यहां पर आकर इनपुट सर्विस का दर्जा दे दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आगे बढ़ो बाबू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की यहां पर बात कर रहे हैं इसमें यह बताता है कि देखिए वो व्यक्ति जो बेसिकली बंजारे होते हैं बाई नेचर उनका दूसरे स्टेट में कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है और वो ऐसे ही भटकते रहते हैं तो सरकार ऐसे व्यक्तियों से हर हाल में जीएसटी वसूल करना चाहती है इसीलिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाकर दिए हुए हैं फाइव डेज एडवांस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है फाइव डेज इन एडवांस इन्हें जीएसटी का पेमेंट करना है मैंने एक्चुअल में पोर्टल पे करके दिखा रखा है आपको कि जब इसका रजिस्ट्रेशन एडवांस में कर रहे होते हैं तो वहीं बीच में आता है कि आर यू कैजुअल टैक्सी पर्सन रजिस्ट्रेशन के दौरान ही हाँ बोलते ही आपके सामने आ जाएगा भैया जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल दीजिए पेमेंट कर दोगे तो ही आगे आप बढ़ पाओगे वरना आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाएगा ठीक है साहेब तो उसके बाद में इनको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो 90 प्लस 90 डेज के लिए मिलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के अंदर इनका करवाया जाता है 10-20 लाख की लिमिट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती जहां तक सवाल है रिटर्न का तो रिटर्न के फॉर्म अपने जो नॉर्मल है जीएसटीआर वन टू थ्री वही फाइल करने होते हैं हालांकि इन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती वैसा वाला सीन यहां पर आता है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो है जो दूसरे स्टेट के अंदर कारोबार करने के लिए जाता है और उस स्टेट के अंदर उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है ऐसे वाले बंदे को जो ओकेजनली गया है दूसरे स्टेट में कारोबार करने के लिए ऐसे करके यहां पर बात करी मालिक जाती है उसी तर्ज पर आता है आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इसी तर्ज पर आपका निकल कर आता है जी फर्क बस इतना होता है कि ये बंदा विदेशी है ये विदेश से देश में आता है जो ओकेजनली इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ रहा है और इंडिया में उसका कोई किसी प्रकार का स्थायी ठिकाना नहीं है ना बिजनेस प्लेस और इधर ना बिजनेस प्लेस ना रेजिडेंशियल प्लेस कैसा भी ठिकाना नहीं है ऐसे वाले बंदे को नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बुलाते हैं और जब रजिस्ट्रेशन करते तो वहां मैंने आपको बताया था कि वैसे तो जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो पैन बेस्ड होते हैं परंतु इस विदेशी के पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं होगा आधार नहीं होगा इसलिए इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पासपोर्ट के आधार पर करवाया जाता है साहब और तमाम प्रोविजन इसके लिए भी वैसे ही लागू होते हैं फाइव डेज इन एडवांस रजिस्ट्रेशन हो गया फाइव डेज इन एडवांस एस्टिमेटेड नेट जीएसटी लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए इनको दिया जाता है जो मैक्स टू मैक्स नाइन्टी प्लस नाइन्टी डेज तक के लिए हो सकता है एक दिन से ऊपर अगर आप बिजनेस रन करते हो यू नीड टू हैव अ रेगुलर और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जहां आपका रेगुलर प्रोविजन आपके ऊपर फिर एप्लीकेबल हो जाएंगे वैसे करके यहां पर बात करी जाती है आगे बोलता है भाई साहब सेंट्रल टैक्स क्या है और वैसी बात यार आपका सीजीएसटी ही सेंट्रल टैक्स है सेस का मतलब कॉम्पनसेशन सेस हो गया सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं कमिश्नर का मतलब कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर की बात हो गई कमिश्नर इन बोर्ड अब ये क्या माम, मामला है जी कमिश्नर इन बोर्ड का मतलब हो गया भाई साहब जो कमिश्नर बोर्ड में बैठा है कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर जो बैठा है बोर्ड यार तरीका का फाइन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में तो भाई साहब जो कमिश्नर बोर्ड में बैठा है वो कमिश्नर इन बोर्ड हो गया कॉमन पोर्टल ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कॉमन वर्किंग डेज तो वर्किंग डेज होना चाहिए कॉमन कॉमन किसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और कंसर्नड स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर कोई पर्टिकुलर डे कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट सपोज आई बिलोंग्स टू यूपी तो यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए वर्किंग है दैट डे विल बी कॉल्ड एज कॉमन वर्किंग डे ठीक है अगर मैं दिल्ली से ताल्लुकात रखता हूं तो दिल्ली अगर दिल्ली में मेरा रजिस्ट्रेशन है तो दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के लिए जो है दोनों कॉमन वर्किंग आता है कि जब आप की उस पर्टिकुलर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर दोनों का वर्किंग है तो थ्री वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा नहीं तो डीम टू बी ग्रांटेड पर कंसिडर कर लिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके ये एमसीडी डी डी ए आर्किटेक्ट एक्सेट्रा जो बेसिकली कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आधार पर यह तय किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी की सेल हुई है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की सेल हुई है या फिर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सेल करी गई है उसी के आधार पर ये सारी चर्चा आपकी करी जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है सर यस सर आगे बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई की यहां पर बात करी जाती है कंपोजिट सप्लाई वो होती है जिसमें पीएन टेस्ट आपका पूरा हो जाता है पीएनटी टेस्ट का मतलब क्या हो गया सर जी टू और मोर टैक्सेबल हो नेचुरली बंडल्ड हो और पी फॉर वन ऑफ द सप्लाई उसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए अगर ऐसा है तो उसको कंपोजिट सप्लाई के नाम से जानते हैं और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो प्रिंसिपल सप्लाई के तहत करवा दिया जाता है पूरे बंडल को प्रिंसिपल सप्लाई के नाम से बुलाया जाता है उसके बाद में <laughs> आगे बात करते हैं यहां पर आकर मालिक कंसीडरेशन किसे कहा जाएगा सब कंसीडरेशन जो होगा जो बदले में जो कुछ भी मिला आपने कुछ एक्टिविटी की बदले में जो कुछ भी आया उसे कंसीडरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं कंसीडरेशन मॉनिटरिंग नॉन मॉनिटरिंग किसी भी तरह का हो सकता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है फर्क नहीं पड़ता है लेकिन ध्यान दीजिए क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपके कंसीडरेशन होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जब पैसा आता है उस समय वो आपका कंसीडरेशन नहीं है लेकिन एट द एंड अगर वो आपका रेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो रहा है तो वैसे टाइम पर एडजस्ट जब जितना पैसा एडजस्ट होगा तब उतना अमाउंट कंसीडरेशन का पार्ट बना दिया जाएगा और जीएसटी के दायरे में आ जाएगा जो गवर्नमेंट सब्सिडी आपकी होती है इनका क्या सीन रहेगा साहिब सब गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं देखिए वैल्यूएशन चैप्टर में भी जाकर देखते हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी होती है वो एक्सक्लूड रहती है अगर वो एक्सक्लूड रहती है वैल्यूएशन पार्ट पर तो फिर उसको यहां कंसिडरेशन बनाने से कोई औचित्य नहीं बनता है लेकिन हाँ नॉन गवर्नमेंट की सब्सिडी जो होती है वो आपकी इंक्लूड रहती है वैल्यूएशन पार्ट के लिए उसको कंसिडरेशन यहां पर बना देना चाहिए वैसे ही वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है साथ में रेसिपियंट की परिभाषा भी पूछी जा रही है रेसिपियंट किसे कहा जाएगा द पर्सन हु इज लाइबल टू पे इधर द पर्सन हु इज लाइबल टू पे कंसिडरेशन उसे रेसिपियंट यहां पर कहा जाएगा लेकिन अगर सप्लाई एफओसी हो तो क्या होगा अगर एफओसी तो द पर्सन टू हुम आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ रेसिपियंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इसमें उनका एजेंट अगर कोई है तो उसको भी यहां पर शामिल किया जाएगा वैसे करके इसमें बात करी जाती है मालिक प्रेम से बोलेंगे राधे राधे <coughs> जी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर गुड्स की लगातार सप्लाई हो रही हो या रुक रुक के भी हो रही हो तो भी चलेगा चाहे पाइपलाइन के माध्यम से हो रही हो चाहे रोड के माध्यम से हो रही हो कैसे भी हो रही हो लगातार हो रही हो और जहां पर पीरियोडिकली इनवॉइस इश्यू किए जाते हों तो उस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस का जब चैप्टर आता है तो वहां देखने को मिलता है कि ऐसे वाले मामले के अंदर जो इनवॉइस आपको कहां इश्यू करना होता है सेक्शन थर्टी वन बोलता है कि ऐसे वाले मामले में जब पीरियोडिकली आपका हिसाब होता है स्टेटमेंट की जो डेट आती है उस हिसाब की डेट पर आपको इनवॉइस इश्यू करना मैंडेटरी होता है साथ में यह भी बोलता है कि अगर आपने पेमेंट हिसाब की डेट से पहले कर दिए तो फिर पेमेंट की डेट पर आपको इनवॉइस इश्यू करना मैंडेटरी हो जाता है इस तरह की चर्चा वहां पर करी जाती है उसके बाद आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस पहली बात सर्विस लगातार होनी चाहिए या रिकरेंट जैसे बारिश होती है ना एक तो मूसलाधार बारिश होती है कि रोकी ना रही है भाई साहब एक ऐसी होती है कि बारिश लगातार हो रही है पर 10-15 मिनट के लिए बंद हो जाती है फिर शुरू हो जाती है तो वो भी लगातार वाली कैटेगरी में ही आती है आपकी कॉन्करेंट हो या फिर आपकी कंटिन्यूसली हो या फिर रिकरेंट नेचर की हो दोनों आएंगी नंबर दो नंबर दो ये कि उसमें एक एग्रीमेंट आपका होता है और उस एग्रीमेंट के अंदर पीरियोडिक पेमेंट के ऑब्लिगेशंस होने चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो आपकी सप्लाई को हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानकर चलते हैं ऐसे वाले मामले के अंदर जो इनवॉइस का चैप्टर है उसमें एक प्रोविजन ये लिखा आता है इनवाइस कि हमें किस पॉइंट ऑफ टाइम पर इश्यू करना होता है तो जब जब पेमेंट ड्यू हो रखी होती है एज पर द एग्रीमेंट उस डेट पर आपको इनवाइस रेज करना मैंडेटरी हो जाता है लेकिन अगर एग्रीमेंट से ड्यूडेट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती है तो ऐसे वाले मामलों में जब जब पेमेंट हो जाती है तब तब उसका इनवाइस इश्यू किया जाता है या ए, या फिर एग्रीमेंट से कोई माइलस्टोन दिख रहे होते हैं कि ये ये माइलस्टोन की पूर्ति होने पर हम पेमेंट करके चलेंगे तो वो वो माइल के पूरा होने पर इनवाइस रेज करना मैंडेटरी हो जाता है ऐसे करके वहां पर बात करी जाती है ठीक है जी यस yes, सर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका कन्वेंस का कन्वेंस का मतलब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होते हैं सारे के सारे आपके कन्वेंस वर्ल्ड के अंदर ही शामिल किए जाते हैं ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है उसके बाद आगे आइएगा कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट से ही है काउंसिल का मतलब क्या है काउंसिल मीन्स जीएसटी काउंसिल हो गया जो कि आर्टिकल नंबर no. 279 कैपिटल ए के तहत आपकी बनाई जाती है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यहां होता है आपका ये इनवॉइस इनवॉइस का एक है दाया हाथ जो डेबिट नोट कहा जाता है एक होता है बाया हाथ जो इसका क्रेडिट नोट कहा जाता है मेन इनवॉइस के अंदर कुछ भी अगर बढ़ाना है तो डेबिट नोट कुछ भी घटाना है तो क्रेडिट नोट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें पॉजिटिविटी है इसके अंदर नेगेटिविटी है कैसे अगर मान लीजिए आपने मेन इनवॉइस अंडर वैल्यू का काट दिया है उसकी वैल्यू को आपने बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो चीज बता रहा हूं सर जी बढ़ाने के लिए हम बताएं क्या करेंगे हाँ हाँ बताओ ना क्या करोगे अगर अंडर वैल्यू कर दिए तो बढ़ाने के लिए आपको एक डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता है और जब डेबिट नोट आपका इश्यू हो जाएगा तो फिर वो अपकमिंग जो आपका जीएसटीआर वन जाना है उसके अंदर वो आपका अपडेट करवा दिया जाएगा क्लासेस के दौरान मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से जीएसटीआर वन के अंदर डेबिट नोट को दिखाया जाता है तो डेबिट नोट उसके अंदर दिखा देंगे जैसे जीएसटीआर वन के माध्यम से डेबिट नोट पहुंचेगा आपके पोर्टल पर तो वहां पर जाकर जो आपका ई लाइबिलिटी रजिस्टर है उसमें भी वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है उसमें लाइबिलिटी आपकी ऐड हो जाती है ई लाइब्रिटी रजिस्टर के अंदर दूसरी साइड में जो आपने जीएसटी वन फाइल कर दिया है उसके आधार पर जब जीएसटीआर टू ए के अंदर रेसिपिएंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो उसके आधार पर वो बंदा अपना आईटीसी क्लेम करता है और उतने अमाउंट का आईटीसी उसका ई क्रेडिट लेजर अकॉर्डिंगली अपडेट करवा दिया जाएगा तो डेबिट नोट से मेन इनवॉइस की वैल्यू बढ़ी सप्लायर का ई लाइबिलिटी रजिस्टर में लाइबिलिटी बढ़ गई और सामने वाले का क्रेडिट भी बढ़ जाता है ऐसे करके इसका अपोजिट होता है क्रेडिट नोट अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपकी मेन इनवॉइस में, इन में ओवर बिलिंग हो गई है तो वैसे वाले मामले के अंदर उसे कम करना पड़ेगा कम करने के लिए टूल इस्तेमाल किया जाएगा क्रेडिट नोट का जैसे क्रेडिट नोट इश्यू किया जाएगा ध्यान दीजिए क्योंकि मेन इनवॉइस सप्लायर ने इश्यू किया था इसलिए डेबिट और क्रेडिट नोट दैट इज इशूड बाय द सप्लायर ओनली दैट बी रेलिवेंट इन जीएसटी सिनेरियो रेसिपिएंट अगर इश्यू करता है तो उसका जीएसटी में कोई लेना देना नहीं होगा तो रेसिपिएंट ने यहां पर सप्लायर ने यहाँ पर क्रेडिट नोट अपना इश्यू कर दिया अब क्या होगा जैसे ही क्रेडिट नोट को इनवॉइस के साथ मर्ज करोगे ये उसकी वैल्यू को घटा देगा जैसे ही अपकमिंग जीएसटीआर वन के अंदर शो किया जाएगा जीएसटीआर के अंदर जाएगा तो जो उसके ई ई रजिस्टर के अंदर जो सप्लायर की लाइब्रिटी है इसकी लाइब्रिटी भी घट जाती है और फिर यह क्रेडिट नोट जीएसटीआर टू ए के माध्यम से पहुंचेगा जब रेसिपियंट के पास में तो वहां पर जाकर इसका जो ई क्रेडिट लेजर है वहां से भी इसका क्रेडिट कम हो जाएगा तो जो क्रेडिट नोट है जहां पर भी जाएगा वो कमावेशी करके चलेगा नेगेटिविटी ही फैलाएगा अंडर वैल्यू का इन्वायस कब कट जाता है उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं आपने गुड्स की जो यूनिट रेट था उसे कम लगा दिया टैक्स का रेट कम लगा दिया कोई और भी वजह हो सकती है और ओवर इन्वायसिंग कैसे हो जाती है आपने जीएसटी का रेट ज्यादा चार्ज कर लिया यूनिट रेट ज्यादा चार्ज कर लिया या क्वांटिटी में कुछ आगे पीछे कर दिया किसी भी कारण से ओवर इन्वायसिंग हो सकती है अगर माल रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पुराना इन्वायस बिल्कुल ही खत्म करना पड़ेगा तो वहां पर आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है वैसी वाली बात आपकी यहां पर रखवाई जाती है डेबिट नोट इश्यू करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती लेकिन क्रेडिट नोट के आधार पर चूंकि लाइब्रिटी कम हो जाती है इसलिए सरकार बोलती है कि भैया अगले साल का सितंबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर वहां तक आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो वैसी वाली बात बताई जाती है उसके बाद में ये हमारी तमाम चर्चा होने के बाद में अगली डेफिनेशन आती है डीम्ड एक्सपोर्ट की डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब हो जाता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है रिफंड वाले चैप्टर में इन पर डिटेल में चर्चा की जाएगी क्योंकि वहां पर एक होती है जीरो रेटेड सप्लाई और एक होता है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट वहां पर चलते हैं तो जो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है वेन वी आर सप्लाइंग गुड्स टू हंड्रेड परसेंट ईओयू एच टीपी एस टीपी एटसेट्रा इट इज कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट और रिफंड वाले चैप्टर में एक सर ट्रीटमेंट ये रखा है कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस पर ऑलवेज जीएसटी आपका चार्ज किया जाएगा और जहां तक सवाल है कि उसका आगे ट्रीटमेंट क्या होगा तो ट्रीटमेंट में या तो रेसिपिएंट आदमी उस जीएसटी का क्रेडिट बुक कर ले बात खत्म क्रेडिट बुक नहीं कर पा रहा है तो रेसिपियंट उसका रिफंड क्लेम कर सकता है या फिर वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा तो रेसिपियंट बोलेगा भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा सप्लायर को ऑथोराइज करेगा कि आप रिफंड क्लेम कर लीजिएगा तो सप्लायर यहां पर रिफंड क्लेम उस जीएसटी का कर सकता है तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट आगे देखने के लिए हमें इसका मिलता है डेजिग्नेटेड <coughs> अथॉरिटी इसका कहीं कोई रेलिवेंस नहीं है डॉक्यूमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल कैसा भी हो ड्रॉबैक का मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक से है जिसे हम कस्टम लॉक के अंदर अपना पढ़ के चलते हैं ई कैश लेजर हो गया आपका ये तो छोटी मोटी बातें हैं ई लाइब्रेटी रजिस्टर ये ये सारी बात हो गई ई कॉमर्स का मतलब वही अपना ई इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्टल है ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट एटसेट्रा ये सब हो गया एग्जेम सप्लाई की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं फैमिली का मतलब ऑलरेडी बात कर चुके हैं फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब ब्रांच ऑफिस हो गए अपने फंड का मतलब कंज्यूमर वेलफेयर फंड गुड्स की बात हो गई गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनशन जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात हो गई इंडिया का मतलब क्या है इंडिया में आपका जो भी लैंड पार्ट ऑफ इंडिया वो इंडिया है बारह नोटिकल माइल तक का जो पानी है वो भी आपका इंडिया की सीमा में ही काउंट किया जाता है उसके ऊपर की हवा नीचे का पाताल सब कुछ उसके अंदर ही काउंट किया जाता है उसके आगे जो ई एरिया है डब्ल्यूआई आई के बियॉन्ड का जो एक सौ अट्ठासी नोटिकल माइल है उस शेल्फ एरिया के अंदर, जो भी ऑयल रिक्स हैं उनको भी हम डीम्ड इंडिया का दर्जा देकर चलते हैं और अकॉर्डिंगली वहां पर भी जीएसटी की चर्चा करी जाती है उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाया गया मालिक और, और आगे चल के क्या बोलते हैं भला सुनिए हमारी बात आई जीएसटी एक्ट हो गया ठीक है जी इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब आईजीएसटी हो गया इनपुट ऑलरेडी बात कर चुके इनपुट सर्विस बात कर चुके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी के चैप्टर में महान कॉन्सेप्ट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का <coughs> तो यहां पर परिभाषा क्या है बिल के बदले में बिल दे तो सौदा देख यहां पर हो गया आईएसडी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है सेपरेट अपना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा कोई इसके लिए दस लाख बीस लाख की बात नहीं होती है अपनी अलग से जीएसटी या सिक्स में रिटर्न जाती है सारा ट्रीटमेंट अलग होता है जी इनका इनका काम क्या है थर्ड पार्टी जो कि सर्विसेज़ दे रही होती है अपनी इसकी ब्रांच यूनिट्स को और यहां पर जो बिलिंग है जो ऑर्डर है वो सब इनके थ्रू कम्युनिकेट हो रहा होता है तो यहां से यहां के लिए बिलिंग हो जाती है अब मान लीजिए मैं हेड ऑफिस हूं ऑब्वियस तो ही बात है जो भी बिलिंग यहां से यहां के लिए करी गई है उसे मैं अपने बच्चों पे एलोकेट तो पक्का पक्का करके चलूंगा ना कॉस्ट भी एलोकेट करूंगा कॉस्टिंग वाले सर ने बताया होगा और टैक्स कंपोनेंट को भी एलोकेट करके चलूंगा तो अगर मान लीजिए सबके नाम की अलग अलग बिलिंग आई थी तो जिसके नाम की जितनी बिलिंग आई है उतना उसको पकड़ा दूंगा अगर सबके नाम की इकट्ठी बिलिंग मेरे पास में आ गई तो टर्न ओवर के आधार पर मैं इसको यहां पर डिवाइड कर दूंगा डिटेल डिस्कशन देखने को मिलता है इसका आईटीसी के चैप्टर सेक्शन नंबर ट्वेंटी के अंदर जाकर यस सर उसके बाद में आगे बात करते हैं यहां पर आकर मालिक इनपुट टैक्स क्या है इनपुट टैक्स क्या है देखिए अगर एनसीएम की सप्लाई ले रहे हो तो जो जीएसटी जो आपका इनवाइस में लगकर आ रहा था वही आपका इनपुट टैक्स है अगर आरसीएम की सप्लाई ले रहे हो तो जो आपको अपनी जेब से भरना पड़ा वो आपका इनपुट टैक्स है अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो जो आप कस्टम डिपार्टमेंट को पे करके आए वो आपका इनपुट टैक्स है और अगर मान लीजिए आप कंपोजिट सप्लायर से लेकर आ रहे हो तो वैसी वाली स्थिति में आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है वो सप्लायर अपने आप अपनी जेब से एक सरकार को भर देता है तो क्या वो मेरा इनपुट टैक्स होगा जी नहीं वो मेरा कोई इनपुट टैक्स नहीं है वो मुझसे चार्ज नहीं किया गया है और मैं उसका क्रेडिट बुक नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्रेडिट सिर्फ इनपुट टैक्स का ही बुक कर सकता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स का जब क्रेडिट मिल जाता है तो उसे बोल देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे बोलते हैं भाई साहब यहां पर आकर कि देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जानते हैं इसके बारे में सेक्शन फोर्टी नाइन अंदर बताता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल हो सकता है ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स के लिए किसी और के लिए नहीं तो अगर मान लीजिए मैंने आरसीएम के अंदर सप्लाई ले रहा हूं और आरसीएम के अंदर मैं टैक्स भर रहा हूं तो ये टैक्स भी मेरा इनपुट टैक्स ही होगा क्योंकि आम के पेड़ पर आम लगता है केले के पेड़ पर कीड़ा लगता है इनवर्ड सप्लाई है तो जो जन्म लेने वाला होगा वो आपका इनपुट टैक्स ही होगा तो इनपुट टैक्स को पहले मैं पे कर दूंगा क्या इसको पे ऑफ करने के लिए मैं मेरा कोई आईटीसी इस्तेमाल कर सकता हूं द आंसर इज नो बिकॉज इट इज माई इनपुट टैक्स नॉट आउटपुट टैक्स तो इट हैज टू बी पेड इन कैश और पेमेंट मैंने कर दिया क्या मैं इसका क्रेडिट भी ले सकता हूं यस yes. पेमेंट भी मैं ही करूंगा कैश में और क्रेडिट भी मैं लेकर चलूंगा ध्यान देना क्वेश्चन में पक्का आएगा कि जब भी आरसीएम की बात हो रही होगी तो कैश में मुझे पे करना और मैं उसी महीने में उसका क्रेडिट भी अपना बुक करके भी चलूंगा इस बात को ध्यान रख के चलिएगा क्योंकि तुम ही यो माता पिता तुम यो रेसिपियंट ही माता है रेसिपियंट ही पिता है पिता के रूप में जीएसटी का पेमेंट कर रहा है आरसीएम के अंदर और माता के रूप में उसका क्रेडिट भी अपनी किताबों के अंदर बुक करके चल रहा है उसके बाद बोलते हैं स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ये बात हमारी आगे चलकर हो जाएगी जहां पर कोई किसी प्रकार का बॉर्डर नहीं आता उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं इंट्रा स्टेट सर्विस का हो गया इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस की बातें अपनी आएंगी आगे निकल के कि जो सेक्शन 31 के अंदर जिसकी जिक्र किया जाता है उसे ही इनवॉइस यहां पर कहा जाता है इनवर्ड सप्लाई का मतलब जो सप्लाई आप ले रहे हो सप्लाई जो भी आपने ली चाहे एक्वायर करके ली चाहे लीज पर ली लाइसेंसिंग पर ली विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन जो भी वट यू हैव रिसीविंग सप्लाई दट विल बी कॉल्ड एज योर इन सप्लाई जॉब वर्क क्या है जॉब वर्क हम सारे काम में खुद पारंगत नहीं होते हैं कुछ काम हम आउटसोर्स भी करते हैं तो जो काम हम आउटसोर्स करते हैं दूसरे के लिए उस एक्टिविटी को उस वर्क को जॉब वर्क कहा जाता है और करने वाले बंदे को जॉब वर्कर कहा जाता है जहां तक जीएसटी के प्रोविजंस का सवाल है वेन आई एम ट्रांसफरिंग माई गुड्स टू अ जॉब वर्कर दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल एंड द पर्सन डूइंग एनी एक्टिविटी ऑन माई गुड्स द एक्टिविटी में बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर टू इवन दो द पर्सन मिक्स एनी गुड्स लाइक कलर एटसेट्रा तो वो अपनी सर्विस भी दे रहा है गुड्स भी मिक्स कर रहा है तो वहां पर आकर शेड्यूल टू आ जाता तो है वो बताता है कि भैया जॉब वर्कर ने जो भी एक्टिविटी की है दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और उसके ऊपर जीएसटी बंदे को देना पड़ता है अगर वो थ्रेस लिमिट से बाहर निकल रहा है तो, तो उसमें जॉब वर्कर सर्विस का सप्लायर बन जाता है और ये वाला बंदा जो जॉब चार्ज का पेमेंट करेगा इस बंदे को वहां पर रेसिपेंट बोल दिया जाता है दूसरा काम खत्म होने के बाद जब हमारा गुड्स हमारे पास लौट कर आएगा तो क्या वो सप्लाई बनेगा द आंसर इज नो तो जॉब वर्कर को जो माल दे रहे हैं तो जीएसटी जीएसटी नहीं नहीं आ रहा है तो नहीं, लेकिन जो के तौर पे कंसिडर किया जाता है, और उस पर लोकल अथॉरिटी का मतलब हो गया कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है तीसरे नंबर पर आती है आपकी लोकल अथॉरिटी हालांकि जीएसटी में लोकल अथॉरिटी का कोई समावेश नहीं है लोकल अथॉरिटी ने अपने कोई भी टैक्स का त्याग नहीं किया था जब जीएसटी आया था यह सिर्फ दो लोगों का ही समावेश था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इसी कारण से जीएसटी में लोकल अथॉरिटी का कोई शेयर नहीं बनता क्योंकि लोकल अथॉरिटी इस खेल में शामिल थी ही नहीं लोकेशन ऑफ रेसिपियंट ऑफ सर्विस तो रेसिपियंट ऑफ सर्विस के अंदर दो लोग आती हैं या तो उनका बिजनेस प्लेस या उनका रेजिडेंशियल प्लेस बिजनेस प्लेस के अंदर या तो हेड ऑफिस हेड ऑफिस नहीं तो फिर उनका जो हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस विच इज मोर कनेक्टेड और अगर कुछ भी ना दे रखा हो मतलब हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस या जो मोर कनेक्टेड हो और कुछ भी ना दे रखा हो तो फिर अपना जो रेजिडेंशियल ऑफिस रेजिडेंस का जो एड्रेस होता है उसे यहां पर कंसिडर किया जाता है यूजल प्लेस ऑफ रेजिडेंस यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब होता है जहां पर अक्सर बंदा वो रहता है और कंपनी के केस में यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब होता है जहां पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया गया है उस वाले प्लेस को बोलते हैं यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ओके आगे है लोकेशन ऑफ सप्लायर सेम डेफिनेशन लोकेशन ऑफ सप्लायर की भी यहां पे रखवाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम है लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होती बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गोल्ड सोना पीला होता है लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती है तो प्रोसेस का नाम है लेकिन प्रोसेस लगने के बाद यह प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है यह डिपेंड करता है किस चीज पर डिपेंड करता है मालिक मैं आपको बताता हूं समझाता हूं देखिए यह प्रोसेस लगने के बाद जो भी रिजल्टेंट कॉमोडिटी है अगर उस कॉमोनिटी का कोई नया यूज निकल के सामने आ जाता है एक नया नाम एक नया यूज निकल के आता है विच वॉज विच इट डिड नॉट बियर अर्लियर जो पहले संभव नहीं था तो इस एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहेंगे अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से नहीं कहा जाएगा मार्केट वैल्यू का मतलब है आपकी ओपन मार्केट वैल्यू मिक्सड सप्लाई का मतलब क्या है वो सप्लाई जो कि कॉम्पोजिट सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आती उस परिभाषा में नहीं आती है उसे हम यहां पर मिक्स्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं और मिक्स्ड सप्लाई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अक्टे बोल से किया जाता है कि उनमें जोनसी वाली सप्लाई का हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है उसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन करवा दिया जाता है जैसे मान लीजिए यहां पर ये आइटम हम जो कंपोजिट uh, सप्लाई होती है नेचुरल बंडलिंग होती है उसका ट्रीटमेंट इनर सर्किल के मुताबिक देते हैं कि भैया देख लो कौन सा वाला मुख्य सप्लाई है लेकिन सारे के सारे अपने आप में मुख्य हो तो आपकी कंपोजिट सप्लाई नहीं होती फिर आपकी मिक्स्ड सप्लाई आती है और मिक्स सप्लाई के अंदर आउटर सर्कल में आकर देखते हैं भैया ये देख लो किसका रेट कितना है जिसका हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा उसमें इसको क्लासीफाई करवा दिया जाएगा मनी क्या है मनी ना गुड्स है ना सर्विस है मनी कुछ भी नहीं है और वैसे मनी सब कुछ भी है उसके बिना कुछ होता भी नहीं है ठीक है जी तो मनी या ना गुड्स है ना सर्विस है लेकिन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी जो होती हैं वो आपकी सर्विस के अंदर यहां पर कवर हो जाती है इसलिए मनी क्या है ये मीनिंग जानना हमें जरूरी है मोर ओवर जो कंसिडरेशन होता है वो भी आपका मॉनिटरी फॉर्म या नॉन मॉनिटरी किसी फॉर्म में हो सकता है इसलिए मनी का जानना जरूरी है कि मनी कहते कैसे है तो सीधी सपाट बात यह है कि कोई भी वो चीज जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होती है उस हर एक चीज को हम मनी का रूप देकर चलेंगे चेक डिमांड ड्राफ्ट फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है चेक है निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये का उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही है निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए शेयर्स फेस वैल्यू अलग है मार्केट वैल्यू अलग है ये आपका नहीं हो सकता जो करेंसी है डॉलर हो चाहे इंडियन रुपीज हो चाहे दो हजार रुपए का नोट हो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होती है वो आपकी यहां पर मनी कही जाती है आउटडेटेड करेंसी पांच सौ हजार रुपए के नोट जो बंद हो गए उसकी जो फेस वैल्यू वो पांच सौ हजार रुपए है लेकिन मार्केट वैल्यू बारह रुपए किलो है इसलिए यहां पर इसे मनी नहीं कहा जा सकता है ठीक है जी आगे बात करते हैं मोटर व्हीकल का मतलब मोटर व्हीकल से है और जनरली इसका जो जिक्र आएगा वो आपका आईटीसी चैप्टर में आता है क्योंकि वहां पर जनरली मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इसकी चर्चा हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के साथ में आगे बोलता है मालिक यहां पर आकर के भाई ये बताइए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और, सर्विसे और नॉन टैक्सेबल में अंतर बताइए हम कहते हैं भाई साहब ये देखो नाम से ही पता लग रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कोई भी चीज यहां पर होने के लिए क्या होना जरूरी है उसका <laughs> उसका देखिए यहां पर भाई साहब गुड्स या सर्विस होना जरूरी है इनमें से कोई एक हो सप्लाई हो और टैक्सेबल हो अगर ये तीनों की तीनों बातें पूरी होती हैं तो ही हम उसे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स बोलकर चलेंगे तो यहां पर सेल ऑफ मनी और सिक्योरिटी की बात करी गई तो ये आपकी आ, गुड्स या सर्विस में ही कुछ भी नहीं होती है इसलिए आपकी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बनेगी इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इसी तरीके से आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस की अगर बात करके चलें तो भाई साहब गुड्स या सर्विस ये होना चाहिए उसके बाद सप्लाई भी होनी चाहिए और उस पर जीएसटी आपका लेवी ना होता हो अगर तीनों शर्तें पूरी होंगी तो उस पर ठप्पा लगा देंगे यह है आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस का उस पर ठप्पा जड़ दिया जाएगा Is it okay? अच्छा दूसरी बात एग्रीगे की जब बात करते हैं तो वहां पर आपकी चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो सारी की सारी एड की जाती है तो इनमें से अगर आपकी कोई जैसे मान लीजिए पहली वाली घटना ना टैक्सेबल सप्लाई है नॉन टैक्सेबल है कुछ है ही नहीं तो ये एग्रीगेट टर्न में आ ही नहीं सकती है दूसरी वाली घटना ये आपकी टैक्सेबल तो नहीं है लेकिन नॉन टैक्सेबल है कोई बात नहीं टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल हो एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा दोनों के दोनों बना दी जाती हैं उसके बाद में ये आपकी टैक्सेबल भी नहीं है नॉन टैक्सेबल भी नहीं है एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा ये नहीं बनेंगे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नाम से पता लगता है गुड्स या सर्विस में से एक होना चाहिए सप्लाई भी होनी चाहिए और वो टैक्सेबल भी होना चाहिए जीएसटी भी, भी उस पर लग रहा हो तब उसकी हम यहां पर बात करके चलते हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आगे आता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया नॉन टैक्सेबल मतलब जहां पर जीएसटी का स्कोप ना आता हो तो भाई एक्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है जैसे आईजीएसटी एक्ट है इसका स्कोप कितना है ऑल ओवर इंडिया है सेंट्रल लेवल का है तो इंडिया तो हो गया इसके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल टेरिटरी और इंडिया के अलावा जितना भी ब्रह्मांड है सब इसके लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यहां पर कहा जाएगा ऐसे ही दिल्ली जीएसटी की बात करके चले तो दिल्ली का जो एरिया है वो तो बन जाएगा टैक्सेबल टेरिटरी और इसके अलावा जितना भी ब्रह्मांड रेस्ट ऑफ द ब्रह्मांड वो इसके लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बन जाएगा तो अगर कोई एक्ट जितने एरिया में लागू हो रहा है उस वो एरिया उसके लिए टैक्सेबल टेरिटरी है और उसके बियॉन्ड जो भी एरिया है वो आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाता है उसके बाद बात करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी की यहां पर बात करके चलते हैं मालिक मैं आपको बता देना चाहता हूं शुरू में <coughs> जब तक जम्मू कश्मीर का लफड़ा नहीं पड़ा था तो आपकी उन्तीस तो हुआ करते थे प्योर स्टेट हुआ करते थे मालिक तेलंगाना को मिलाते हुए ठीक है और जो यूनियन टेरिटरी बचपन से पढ़ते आए हैं सात थी सात को हमने यहां क्लासिफाई कर दिया कि भाई सात ऐसे से करके थी कैसे कैसे करके थी सात उसको बताया कि देखो पांच तो इसमें से वो थी आपकी जो प्योर यूटी थी और दो ऐसी थी जो दिल्ली और तेलंगाना जिनका अपना सीएम है कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और कुछ पावर स्टेट के पास में जैसे दिल्ली पुलिस है दिल्ली पुलिस की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है लेकिन मेडिकल वगैरह ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है इनका अपना सीएम होता है अपनी असेंबली होती है यानी कि ये जैसे मूवी हाफ गर्लफ्रेंड इसमें भी हाफ वाले होते हैं ये आधा स्टेट होती है आधा यूटी होती है तो यहां पर इसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं दिल्ली और पांडिचेरी आपकी यहां पर आया करती थी उसके बाद आप जानते हैं आर्टिकल नंबर थ्री सेवनटी संविधान से हट गया उसके चलते हुए जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट हुआ करता था उसके दो फाड़ किए गए क्या क्या भला तो उसमें एक रहा जम्मू कश्मीर उससे बनाया गया यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और एक निकाल दिया गया लद्दाख अलग लद्दाख बनाया गया प्योर यूनियन टेरिटरी तो इस चेंज का अंतर यह निकल के आया कि जो जम्मू कश्मीर है आपका जो स्टेट था स्टेट की संख्या नेचुरल स्टेट की संख्या अब ट्वेंटी रह जाती है और जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर थी उनकी संख्या तीन हो जाती है और यहां पर आकर जो आपका लद्दाख था वो आपकी प्योर यूनियन टेरिटरी यहां पर एक बढ़ जाती है प्योर यूटीज के अंदर बढ़ जाती है उसके चलते एक चीज और दमन और दीव दमन और दीव की जो यूटी थी वो आपकी मर्ज हो चुकी है नगर हवेली के अंदर नगर हवेली के अंदर ही दमन और दीव मर्ज हो चुकी है इसके चलते हुए आपका एक यूटी जो प्योर यूटी थी वो कम हो गई लद्दाख बढ़ गई दमन द्यू के नाम से कम हो गई क्योंकि वो नगर हवेली में ही अपनी मर्ज हो चुकी है तो इस प्रकार से आपकी प्योर यूटी रही आज पांच मिक्स यूटी रही तीन और प्योर स्टेट रही आपकी ट्वेंटी तीन मिक्स यूटी है इसको डिम्ड स्टेट कहा जाता है तो फाइनली आपके हाथ में इकतीस स्टेट हैं आज की डेट में और पांच आपकी यूनियन टेरिटरी है प्योर वाली एक अदर भी जोड़ देते हैं अदर यूनियन टेरिटरी तो वैसे देख के चलो तो छह आपकी ये हो जाती हैं अदरवाइज मोटे तौर पर पांच यूनियन टेरिटरी आपकी हैं और इकतीस स्टेट आपके यहां पर हैं ध्यान दीजिए आज जम्मू कश्मीर प्योर स्टेट में नहीं आता है जम्मू कश्मीर आता है आपका मिक्स्ड द्वार डीम्ड स्टेट में आता है और उसका जो लद्दाख वाला पोर्शन है वो आपका प्योर यूटी के अंदर काउंट किया जाता है ऐसे करके मालिक यहां पर ये बात करी जाती है ठीक है सर जी और कौन दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद आगे क्या <coughs> उसके बाद आता है आपका आउटपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या है भाई जो भी आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो आपकी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसे हम लोग आउटपुट टैक्स के नाम से यहां पर जानकर चलते हैं ठीक है जी और क्या है उसके बाद आगे निकल के आता है आउटवर्ड सप्लाई जो सप्लाई आप दे रहे हो आउटवर्ड और दे रहे हो सप्लाई का मीनिंग जानते हैं और जो सप्लाई दे रहे हो विद विदाउट विदाउटेशन दे रहे हो जो आरबीआई की एजेंसी हो विदाउट भी आपकी सप्लाई बनती है उनको इस कैटेगरी में रख के चलते हैं पर्सन वर्ड का मतलब पर्सन एक टर्म है इंडिविजुअल हो कंपनी हो एलएलपी हो कोई भी हो सब के सब आपके पर्सन वर्ड के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस ये क्या मामला सर जी प्लेस ऑफ बिजनेस की जब बात करके चलोगे नहीं सॉरी प्लेस हाँ प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस प्लेस हो गया जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके चलता हूं तो मुझसे पूछा जाता है कि आपका मुख्य प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है तो मैं अपना बता देता हूं अगर मेरा एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वही मेरा मुख्य प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाता है लेकिन मेरा अल प्रिंसिपल प्लेस अलग है एडिशनल प्लेस अलग है तो प्रिंसिपल में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाइए और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर वो दिखा दीजिए प्लेस ऑफ बिजनेस में मेरे सारे आ जाते हैं मेरी फैक्ट्री जहां पर है जहां पर मेरा शोरूम है जहां पर, मेरी है, जहां पर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं जहां पर मेरी बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो मेरा हर एक प्लेस मेरा बिजनेस प्लेस कंसिडर किया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब कंजम्पन प्लेस हो गया जहां पर गुड्स या सर्विसेस मेरे कंज्यूम होते हैं दैट प्लेस विल बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई के रूप में कंसिडर किया जाता है प्रेस्क्राइब्ड वर्ड जहां पर भी आपको दिखाई दे जाए इसका मतलब होता है गो फॉर रूल्स किसकी चर्चा रूल्स में करी जानी है प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है एजेंट की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखी थी और हम जानते थे एजेंट वो जो दूसरे के बिहाब पे काम करता है उसे एजेंट कहते हैं और प्रिंसिपल वो आदमी होता है जो दूसरों से काम करवाता है जिसके बिहाब पर और लोग काम करते हैं उस वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि ये आपका हेड ऑफिस के रूप में यहां पर कंसिडर uh, किया जाता है जी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि ये आप खुद ही बताते हो जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ होता है और अगर आपका एक ही प्लेस है जैसे नॉर्मली बहुतों तो का होता है कि हेड ऑफिस ऑफिस ब्रांच उफिस नहीं है आपका एक ही प्लेस है तो वही एक ही प्लेस आपका प्रिंसिपल प्लेस वाली कैटेगरी के अंदर आ जाता है और जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका मैं सब क्लास में दिखा रखे हैं आपको चीजें ये जब आपका सर्टिफिकेट आता तो उसमें ये चीज आपकी लिखी हुई होती है प्रिंसिपल सप्लाई किसे कहते हैं जी हाँ जब कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है तो बोलता है टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज आपकी होती हैं बिल्कुल ठीक बात है वो आपकी नेचुरली बंडल्ड होती है एकदम ठीक बात है और उनमें से एक सप्लाई आपकी प्रिंसिपल सप्लाई मालिक होती है उनमें से एक सप्लाई बंडल के अंदर प्रिंसिपल सप्लाई आपकी होती है तो वैसे वाले मामले के अंदर हम लोग क्या करके चलते हैं साहेब जब प्रिंसिपल सप्लाई आपकी होती है तो वही प्रिंसिपल सप्लाई के अंदर से हम क्लासिफाई करके चलते तो प्रिंसिपल सप्लाई वो जो प्रीडोमेंट एलिमेंट रखती हो जिसके अंदर दूसरों पर हावी होती हो उस वाली सप्लाई को हम प्रिंसिपल सप्लाई के नाम से जानते हैं जैसे बोर्डिंग स्कूल की सर्विस होती है कई सारे एलिमेंट उसके अंदर होते हैं लेकिन उसमें जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई यहां पर काउंट करी जाती है वैसे करके बात करते चलते हैं नब्बे तक की हमारी बात यहां पर हो गई है बाकी की हम बातें अपनी अगली क्लास में करके चलेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगली क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी नहा जरूर लीजिएगा ओके okay, सर जी थैंक यू सो मच बाय डियर लव यू टाटा बाय